स्वागत है। आज सुबह वाला जो शिफ्ट हुआ है उसका हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं कैसे करके, ठीक है। जल्दी से फर्स्ट शिफ्ट का है और ये मनीष बैच पे स्टार्ट करके पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में देखिएगा जो एरो है वो किधर की तरफ जा रहा है, आपका जो डार्क बिंदु है उधर की तरफ, एरो डार्क बिंदु के विपरीत जा रहा है। ध्यान से देखिएगा, डार्क बिंदु के विपरीत एरो जा रहा है, इस चीज को गौर करिएगा। देखिएगा ये भी ऐसे जाके डार्क बिंदु और ये भी डार्क बिंदु की तरफ जाएगा, तो जो डार्क बिंदु की तरफ जाएगा उसी को हम आंसर बोलेंगे। तो आंसर किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिएगा किस कौन सा हो जाएगा, मेरे हिसाब से यहाँ डी, ठीक है। मेरे हिसाब से क्या हो जाएगा, डी डार्क बिंदु की तरफ गया है। ध्यान से देखिए डार्क बिंदु की तरफ ये उल्टा जा रहा है, ये भी उल्टा जा रहा है, ये भी उल्टा जा रहा है, डार्क बिंदु की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से बोलना चलते हैं। अब देखिए ये जो ट्रायंगल है इसके अंदर का फूल यहाँ पे है, ध्यान से देखिएगा ऐसे है, ठीक, फूल और ये चीज फिर इन्वर्ट फिर ऐसे हो गया, तो अब ये नीचे की तरफ होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से आंसर बी होना चाहिए, ठीक है। चलिए बी होना चाहिए। पियानो से क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, पियानो से म्यूजिक संगीत के लिए प्रयोग होता है, तो साहित्य किस लिए प्रयोग होता है, साहित्य कलाकार के लिए होगा कि साहित्य कवि के लिए होगा, तो पोएट्री के लिए साहित्य का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, मेरे हिसाब से क्या होना चाहिए, ठीक है। अब इसको देख लीजिएगा जरा, ऑप्टिस मीडिया किसमें होता है, ईयर में, तो इसकी स्पेलिंग सर्च करिएगा, कैराकटस किसमें होगा, मोतियाबिंद, मोतियाबिंद अगर आपको क्लियर है तो मोतियाबिंद बीमारी आप जानते हैं किसमें होती है, आंखों, हिंदी में आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। सात का संबंध 49 से है, वर्ग मंत्र 9 का संबंध किससे होगा, 81 से होगा, ठीक है। एकदम ध्यान से एकदम आराम से चलते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुख करके खड़ा है, ठीक है, कंप्लीटली 180 घूम जाए, चाहे दाएं से घूमे चाहे बाएं से घूमे, सीधा हो जाएगा किस डायरेक्शन में, उत्तर डायरेक्शन में, नॉर्थ, सीधा सीधा, हमारा उससे कोई लेना देना इस प्रश्न में नहीं। अब देखिए क्या कह रहा है, दिए गए ग्राफ में इस तरीके से दिया है, ठीक है, दिए गए ग्राफ में यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य 1500 रुपया है, लैपटॉप का अंकित क्रय मूल्य से 1500 रुपया है, देखिएगा ध्यान से, यदि लैपटॉप का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 15% अधिक है, दुकानदार लैपटॉप के अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, और ये मार्क प्राइस इसमें दिया है, इसमें क्या दिया है, मार्क प्राइस हमको दिया है, तो हमको देखो उस 1500 से कोई लेना देना ही नहीं है, सीधा उसका मार्क प्राइस क्रय मूल्य से बढ़ा कर रखा है 115 और 10% की छूट देने की बात कर रहा है, तो 90/100 मेरे भाई, 00 से 00 ब्रांच का सवाल बन गया है, काट लेंगे तो यहाँ 15 × 135 अगर करेंगे तो 103.5 आ जाएगा, आएगा 100 से मेरे भाई कितना जाता है, 3.5, कितना जाता है, 3.5, तो आंसर इसका हो जाएगा 3.5। चलिए अब देखो अगला सवाल, यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। कह रहा है अरुण अनु के घर जाना चाहता है, अरुण कोई है, अनु के घर जाना चाहता है, कहाँ है मालूम है, अनु का घर प्रिया के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है, प्रिया के घर से, तो सपोज कर लो अनु यहाँ, प्रिया का घर यहाँ है, और प्रिया के घर से अनु का घर किस दिशा में है, अनु का घर उत्तर पश्चिम दिशा में 5 किलोमीटर है, तो यहाँ से उत्तर पश्चिम बनाएंगे, तो अनु का घर इधर कहीं पड़ेगा, अनु का घर 5 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है, जो थारू के घर से रूट में 12.5 किलोमीटर पूर्व में, जो किसके लिए हमेशा प्रयोग होता है, दूसरा के, प्रिया का घर थारू के घर से किस दिशा में, पूर्व दिशा में, तो थारू के दिशा से इधर पड़ेगा पूर्व दिशा में, थारू यहाँ कहीं इसका घर होगा, और ये रूट में 12.5 किलोमीटर पड़ेगा, ठीक है, रूट में 12.5 किलोमीटर पड़ेगा, थारू का घर अरुण के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है, थारू का घर जो है, थारू का घर कहाँ है, अरुण के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में है, उत्तर और पश्चिम दिशा में है, तो अरुण का घर कहीं इधर होगा, तभी तो अरुण के घर से ये उत्तर पश्चिम बोला, यानी इस डायरेक्शन में, यानी अरुण का घर यहाँ कहीं है, तभी तो ये थारू का घर उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब कह रहा है तो अरुण को अनु के घर जाने के लिए किस दिशा में जाना होगा, तो सीधा ये
ऊपर डायरेक्शन में जाएगा तो लगभग लगभग हम किस डायरेक्शन में बोलेंगे, उत्तर तो रहेगा ही रहेगा नॉर्थ, और ये रूट में हमको समझना पड़ेगा कितना किलोमीटर है, ये 5 किलोमीटर है। तो ये ऐसे होगा, पैरेललिज्म बनेगा, यानी हम किस डायरेक्शन में जाएंगे तो ध्यान से देखना उत्तर और पश्चिम दिशा में हमको जाना पड़ेगा। बी ऑप्शन होगा इसका आंसर, उत्तर पश्चिम। ठीक है, ठीक है। अनु को जाना है, अरुण को, अरुण का घर अनु के घर से, अच्छा सॉरी, अनु के घर से किस दिशा में। तो अनु अगर ऐसी होगी, इस डायरेक्शन को देखेंगे तो ये डायरेक्शन क्या कहलाएगा हमारा, साउथ, साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन, सॉरी साउथ ईस्ट, हम ऊपर का निकाल लेते हैं, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अब चलिए यहाँ देखते हैं अगला। इंडिपेंडेंस अक्षरों का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, तो देखिए नीडेड बन सकता है क्या, डबल डी है और है, एन है, एन है, तीन ई होगा क्या है, चलिए इंडीड, इंडीड भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पी ई एन ए डी, ए नहीं है उसमें, यानी सी कुछ ऑप्शन ये खुद कर दिया है, इसमें ए नहीं। ठीक है, चले अच्छा किया है, जो भी लड़का ये किया है इसका सही है। यही क्वेश्चन का नाम T20 मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 120 थे, इनमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए हैं, इनमें से 60 रन स्पिनरों ने बनाए। तो आप देखिए टीम में 20% स्पिनर है, नहीं कह सकते स्पिनर कितने हैं, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं। मध्य क्रम के बल्लेबाज स्पिनर थे, ये भी नहीं कह सकते, ना तो ए ना तो बी के साथ जाएंगे। ठीक है, अच्छा ना तो ए ना तो बी के साथ हम जा रहे हैं। अगला देखिए, क्योंकि देखो वहां क्लियरिटी नहीं है कि क्या होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर एक ज्यादा देखते हैं, हमको ये कितना है, एस क्यू का पिता है, एस क्यू का पिता है, ये चीज हमको देखना है किसी ने। अब कह रहा है क्यू डॉट, ये दिया है क्यू पिता है एस का, क्यू ये दिया इस तरीके से, मतलब क्यू पिता है पी का, एस का, ये हो जा रहा है उल्टा संबंध। हमको क्या स्थापित करना है, एस क्यू का पिता है, और यहाँ से क्या हो जा रहा है, एम पिता है, यानी क्यू पिता है एस का, तो ये तो नहीं हो सकता, ये कैंसिल हो जाएगा, हमको प्रूफ ये करना है। तो जहां पे इस तरीके का डॉलर बन जाएगा वो हम ले लेंगे। ठीक है, तो डॉलर यहाँ है क्यू, डॉलर ये है पिता, और क्यू डॉलर पिता है। ठीक है, क्यू डॉलर में दिया है, क्यू पिता है पी का, और पी डॉट एस, पी डॉट एस दिया है, पी डॉट एस ये परसेंटेज। तो पी पुत्र है एन का, यहाँ क्या पुत्र हो जाएगा, पी पुत्र हो जाएगा एन का, तो ये भी उल्टा संबंध बन रहा है, तो यहाँ पे भी हमारा स्थापित नहीं हो पा रहा है, तो इसको भी मिटा रहे हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, दो ऑप्शन चेक कर लिए ना, कौन कौन सा ये चेक कर लिया, अब ये बचा इसको देखते हैं। पी एट द रेट, पी बहन है, पी बहन है किसकी, पी बहन है किसकी, क्यू की, क्लियर हो गया, पी बहन है क्यू की, परसेंटेज, और ये क्या है, बहन हो गया। तो अब ये क्या कह रहा है, क्यू क्यू पिता है एस का, क्यू पिता है, ये कह रहा है क्यू पुत्र है, सॉरी परसेंटेज, क्यू पुत्र है एस का, तो क्यू पुत्र है किसका, एस का। तो अब इसमें संबंध बनता है एस क्यू का पुत्र और पिता होना चाहिए, तो इसी में स्थापित हो रहा, ऑप्शन दो सही किया इसने भी, जो भी किया ऑप्शन से इसको कर सकते हैं, कोई और तरीका नहीं। अब देखिए अगला क्या रहा है, जी ए आर एन एन ट्रेनिंग अक्षरों का प्रयोग करके बनाए जा सकने वाले शब्द ढूंढिए। तो देखिए ग्रेनेड डी नहीं है, नहीं बन सकता, ट्रेन बन सकता है इससे, गियर ई नहीं है, नाइट में जी जी एच एच नहीं है, तो क्या बनेगा, ट्रेन। ठीक है, रीजनिंग बाबू बहुत आसान आ रही है, देखो कठिन हुई है तो मैथ। ठीक है, थोड़ा सा आपको फोकस मैथ पे करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा मैथ। ठीक है, बाकी आपका सही है पेपर, यही है ना, ये देखिए बादल बारिश से उसी तरीके संबंधित है जैसे हवा किससे संबंधित है। देखिए
बादल बारिश से संबंधित, बारिश से उसी तरह संबंधित है, बादल बारिश से उसी तरह संबंधित है जिस तरीके से हवा किससे संबंधित है, ठंड से, हवा से, धूल से, ठीक है। आंसर क्या है? लगभग लगभग हमको लग रहा है हवा से, हवा किससे संबंधित है, हवा से। एयर इस संबंधित, अच्छा एयर और विंड दिया है तब सही हो जाएगा, इंग्लिश में अगर आएंगे तो विंड से संबंधित होगा, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा अगला, नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी इंग्लिश को देखते हैं। अब यहाँ लिखिए, दिए गए आरोपी में कितने शिक्षित व्यक्ति पिछड़े हैं, शिक्षित व्यक्ति और पिछड़ा चाहिए, ये दोनों जिस क्वाड्रेंट में आए तो कितने हैं, शिक्षित आदमी पिछड़े हैं, शिक्षित आदमी पिछड़े हैं। तो देखो 11 ऑप्शन में दिया नहीं है, 11 3 14 दिया है, 17 दिया है, तो हम किसके साथ चले जाएंगे, 14 के साथ। 11 अकेले दिया होता तो आंसर कर देते, ठीक है। नियोजित नहीं बोला था लेकिन लेना पड़ेगा। चले अब देखिए इस क्वेश्चन, इन एन सर्वे इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंग्लिश का पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश का पेपर 21 लोग पढ़ते हैं, ठीक है। इंडिविजुअली 21 लोग पढ़ते हैं, इंडिविजुअल लिखा है, केवल यह पाया गया कि व्यक्ति पढ़ते हैं, यह पाया गया कि 21 व्यक्ति अंग्रेजी समाचार पत्र पढ़ते हैं, ठीक है। 26 व्यक्ति हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं 26 व्यक्ति, 29 व्यक्ति क्षेत्रीय भाषा का समाचार पत्र पढ़ता है, रीजनल पढ़ता है, कितने व्यक्ति, 29 व्यक्ति, ठीक, 29 व्यक्ति पढ़ता है, ठीक है। यहाँ हिंदी कितने लोग पढ़ते हैं, 29 लोग, ठीक है, 26 लोग, सॉरी 26 लोग पढ़ते हैं, अब सही है, 29 लोग रीजनल पढ़ते हैं। इसके अलावा 14 लोग हिंदी अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं, हिंदी अंग्रेजी दोनों लोग कितना पढ़ने वाले हैं, 14। उसके बाद कह रहा है 15 लोग क्षेत्रीय और हिंदी पढ़ते हैं, 15 लोग क्षेत्रीय और हिंदी पढ़ते हैं, और क्या कह रहा है, कितने लोग, 12 व्यक्ति है ना, 12 व्यक्ति अंग्रेजी और 12 ही है ना, 12 व्यक्ति दिया क्लियर है, 12 व्यक्ति ही अंग्रेजी और छात्र क्षेत्रीय पढ़ते हैं, 12 लोग, ठीक है, 12 लोग यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। आप क्या कह रहा है, 8 लोग इंडिविजुअली, 8 लोग ये पढ़ते हैं, 8 लोग यहाँ हो गए, ठीक है, तो 8 लोग हो गए, तो अब क्या कह रहा है, कितने लोग क्षेत्रीय पढ़ते हैं, 15 8 7 7 और 4 12 हो गए, ठीक है, तो कितने हो गए, 15 7 20 9 19 19 और यहाँ बीच में क्या बच गया, 10। तो क्षेत्रीय भाषा, इस तरीके का एक सवाल बाबू आपके पेपर में आ रहा है, ठीक है, 70 करेंगे। चलिए अगला वाला हिंट देखिएगा, हिंट बहुत सही, अगला क्वेश्चन का देख लीजिएगा, 17-17-21 ढूंढना है कि क्या होगा। तो देखिए क्या कह सकते हैं, ये कहना बहुत डिफरेंट है क्योंकि एक सीरीज चल रही है, यहाँ पे एक सीरीज क्या चल रही है, ध्यान से समझिएगा, एक सीरीज चल रही है, ये 4 की सीरीज है, ये 4 की सीरीज है, लेकिन इसके लिए नहीं क्लियर है तो हम कितने की सीरीज लें, तो जितना नीचे चला है उतने की ही सीरीज बनाएंगे, तो हम 4 की सीरीज, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो आंसर क्या होगा, 5, ठीक है, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला देखिए, मेरे हिसाब से 5 ही होना चाहिए, आगे देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या है, चार हुआ तीन
क्लियर बना रहा है। इधर का दो अलग रहेगा तभी ये बीच का बनेगा, ठीक है। मेरे हिसाब से यही चीज समझ में आ रही है और सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो इस तरीके से दिया है, तो हम इसके साथ जा रहे हैं। तो ये सवाल बहुत कठिन है, इस सवाल का एक्सप्लेनेशन बाद में निकालना पड़ेगा, अभी तक तो हमको यही समझ में आ रहा है। इधर दो दे दिया, इधर दो होगा बीच, और बीच में इसको अलग 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 कर दिया। चलिए देखते हैं आगे। तीन तीन अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन क्यों दिया, ऐसे दिया है? तो पी यानी छह दिया है, तो छह में से चार चला जाएगा, तो क्या रहेगा आंसर? एक शिक्षिका अपने विद्यार्थी से कहती है नियमित रूप से अध्ययन करने से शैक्षणिक प्रदर्शन बेहतर होता है, इस कथन का निहित अर्थ क्या? पढ़ाई का शैक्षिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नियमित अध्ययन की आदतें ग्रेड में सुधार आती है, नियमित पढ़ाई भी उतनी ही कारगर होती है, शैक्षणिक प्रदर्शन अनियमित होती है, ये दोनों को नहीं होगा। हम क्या कह रहे हैं, पढ़ाई का शैक्षणिक प्रदर्शन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है भाई, शैक्षणिक प्रदर्शन का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है? आंसर हम बी के साथ चल रहे हैं, ठीक है। चलिए इन्वेंटर एबिलिटी का ये लग रहा है टीचर बनाने के लिए सवाल पूछे हैं, तो कुछ मानों के लिए पूछना है। देखो भाई, पेपर में बार बार कह रहा हूँ, मैथ्स का पेपर कठिन आ रहा है, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब शुक्र मनाए 31 तारीख वाले, ठीक है। मैं इसके लिए एक सीरीज लाऊंगा जिसमें तीनों दिन के मैथ्स पे मैं डिस्कशन करूंगा, कोई कुछ नहीं कह सकता कहाँ से आ रहा है। चलिए, एक 40 लीटर का मिश्रण है, 17 संबंधित 3 का अनुपात है और 7 संबंधित 1 का, ये मिल्क है और ये वाटर है। कह रहा है इसमें कुछ दूध मिलाने के बाद, तो दूध मिलाने के बाद ध्यान से देखिए, कुछ दूध मिलाने के बाद 60 का दूध कितना दूध मिलाया जाए, ठीक है, दूध मिलाने के बाद। तो देखो दूध मिलाने को कहा है, तो ये चीज बराबर होगी, मैं क्लास में भर भर के पढ़ाता हूँ, तो अनुपात मेरे भाई अब क्या हो जाएगा, 17 संबंधित 3 और 7 तरीके 21 संबंधित 3, शुरू शुरू में कितना लीटर है, 20 बराबर कै लीटर, 40 इसका कै गुना, 2 गुना, तो कितनी मात्रा देखिए बढ़ी हुई लग रही है, कितनी, 4 का दुगुना कितना हो जाएगा, 8। मिक्सर का सवाल का ये तीसरा टाइप है, याद रखिएगा टाइप वाइज चल रहा है, मैं कुछ मिश्रण में गेस करके बता सकता हूँ कि किस तरीके का सवाल आएगा, एसडी यादव को याद रखिएगा, ठीक है, एसडी यादव को याद रखिएगा, उसी से हर टाइप लगा लीजिए बस, आपको मिश्रण का एक सवाल आपका सही हो जाएगा, मिश्रण का एक सवाल सही होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चावल कीमत 20% कम हो जाने पर, ठीक है, 125 किग्राम अधिक मिल रहा है, ठीक है मेरे भाई, 20% है, 20% को मैंने कहा है नया और पुराना, वो उससे सवाल आ रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लीजिए आप लोग, मैं फिर कह रहा हूँ सीधे सीधे, तो 100 बराबर मेरे भाई कितना हो जाएगा, 100% बराबर कितना हो जाएगा? इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर दीजिएगा, माइक छूट गया था लगाना, आवाज आप लोग को गई होगी, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है, रीजनिंग था, मैथ सब इम्पोर्टेंट है, अब इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 20% है, 125 बराबर, ठीक है, तो इसको 100 करिएगा, 5 से गुणा, तो इधर 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, रोक के देख लें क्या, 25 बराबर कितना हो जाएगा, 5 यानी कितना हो जाएगा, 625। अब 625 हुआ तो कह रहा है, तो चाया का प्रारंभिक मूल्य कितना था, तो ध्यान से समझिएगा, प्रारंभिक मूल्य के लिए क्या किया जाता है, जो आपका 8000 रुपया है, और आप यहां ध्यान से समझिए, आप 125 किलो ज्यादा लेके गए हैं ना, 125 किलो ज्यादा लेके गए हैं, यानी 500 काट देंगे, 5 से काट देंगे, यानी क्या रुपया नया रेट हो जाएगा, 16 रुपया मेरे भाई, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 संख्याओं का औसत 30 है, पहली 5 और अंतिम 3 का औसत ये है, तो छठी संख्या क्या होगी? तो सही है भाई, 9 का 30 कर लो, 270, सबसे आसान वाला मेथड आपको बता रहे हैं, ठीक है। 5 का औसत कितना है, 100, 5 का औसत 25, आंसर क्या हो जाएगा, 125। फिर क्या है, 3 का औसत कितना है, 35, 35 या 105 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 230, 230 हो गया, घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 40, ठीक है। चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से किया गया है सवाल को, ठीक है, ध्यान से देखिएगा।
कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अब ए और बी का मासिक वेतन आय इतना है, बी और सी का आय इतना है, ए और सी का औसत इतना है, ठीक है, तो सी का कितना होगा मासिक। चलिए ठीक है देखते हैं। ए प्लस बी का औसत है 1400 यानी 2800 रुपया हो जाएगा मेरे भाई। बोलिए, बी प्लस सी टाइम एंड वर्क का सवाल टोटल बन गया। बी और सी का कितना है 1560 यानी करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 3120, ठीक। और क्या है, ए और सी का कितना है 1480, 1480 करेंगे तो कितना हो जाएगा 28, 2880 सबको जोड़ लें तो ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 0 कैरी 1, और ये कितना आ जाएगा 10 8 18 कैरी 1, और ये कितना आ जाएगा 8 8 7 8 हो जाएगा ना 8। अब हो गया, अब देखिए इसमें सब कोई दो दो बार है तो दो से काट दे रहे हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा 4400, 4400 आया है ए प्लस बी प्लस सी का। लेकिन हमको चाहिए किसका मेरे भाई, सी का सिर्फ चाहिए, तो सी का चाहिए तो ए बी को घटा दें 2800, 2800 घटा देंगे तो सी का औसत सी का कितना रुपये हो जाएगा 1600। बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं अगला, कह रहे हैं 42 और 49 की संख्याओं का लसा और मौसा का अनुपात बताइए। ठीक है चलिए, तो लसा मौसा का अनुपात बताना है, ठीक है। तो अनुपात इसका मौसा क्या हो जाएगा, मौसा तो 7 होगा, मौसा क्या हो जाएगा 7, और अनुपात चाहिए तो 42 गुड़े 49 है, सॉरी 42 गुड़े क्या हो जाएगा, कॉमन ले लो कॉमा 49, तो ये बड़ा है तो ये काट देगा। 7 से कई बार में कटेंगे लोग, 6 बार में, यानी 49 गुड़े क्या कर लें 6, 7 से काट देंगे 7 बार में, यानी कितने का अनुपात बनेगा 42:1 का। बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, जो बच्चा किया है गलत कर गया इस सवाल को, ठीक है। अब देखिए, एक रेलगाड़ी समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में और एक टेलीफोन को 6 सेकंड में पार करती है, तो याद करो एक पोल को पार कर रही है और एक प्लेटफॉर्म को 240 मीटर, इसको कै सेकंड में पार कर रही है 10 सेकंड में, और इसको कै सेकंड में 6 सेकंड में, 10 और 6 को क्या कर लें, देखिए क्यों ज़्यादा लगा 4 सेकंड, क्योंकि 6 240 चला है इस वजह से 4 सेकंड ज़्यादा लगा है, तो काट लेंगे तो उसकी चाल कितने की आ जाएगी 60 मीटर पर सेकंड। अब क्या कह रहा है, तो रेलगाड़ी की लंबाई निकालें, तो 60 आ गया तो 60 को किससे काट लेंगे 5/18 से करेंगे ना, मीटर में है तो किलोमीटर में बदलना है, सॉरी किलोमीटर में आंसर दिया है, तो 18/ क्या कर लेंगे 5, मेरे भाई 5 से काटेंगे 12, 18 12 200, 16 किलोमीटर प्रति घंटा किसी में ऑप्शन है क्या, जो होगा मार देंगे, बाकी आगे सोचना ही नहीं है। एक हो गया ना तो दूसरे के लिए क्यों जान देना, ठीक है, टाइम अपना बचाना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट, ये थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है चलो यहाँ आते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए 35 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड कितना है 90, तो इसको कर लें 5/18 बराबर कितना है उसकी चाल, दूरी कितनी है 35 मीटर, तो 35/T कर लेंगे, ठीक है, 18 से काट देंगे कई बार में 5 बार में, तो टी बराबर आ जाएगा 35/25। देखो मैंने हमेशा कहा है जब भी नीचे 25 5 आ जाए तो 100 बना देना, ठीक है, तो 100 बनाने जा रहे हैं तो 35 चौके 140/100 यानी 1.4 सेकंड में इसको पार कर लेगी। क्लियर है, बहुत अच्छे तरीके से। ये सारे सवाल बाबू मैथ्स वाले हम इकट्ठा करेंगे एक जगह, ठीक है, परेशान मत होइएगा आप लोग, ठीक। अगला देखिए, अगला क्या करा है, द एवरेज सैलरी ऑफ मेल एम्प्लॉय एंड फीमेल एम्प्लॉय इज इतना, इफ द मीन सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज फाइंड। देखो ये सवाल फिर से आ गया, टाइम किसका है, तुम्हारा एलिगेशन का सवाल है, ठीक है, एवरेज दिया है लेकिन ये एवरेज वाले मेथड से एलिगेशन में लगेगा। मेल मेरे भाई कितना है उनका एवरेज सैलरी 52 रुपीज, फीमेल की सैलरी कितनी है 42 रुपीज, एंड ओवरऑल कंपनी की सैलरी कितनी है 15 रुपीज, तो यहाँ से आ जाएगा 8 और यहाँ आ जाएगा 2, काट लेंगे भाई 1 और कितना 4, तो किसका अनुपात पूछ रहा है मेरे भाई,
फीमेल एम्प्लॉय, एक टोटल एम्प्लॉय कितने, 5 गुणे कितना 100 काट देंगे मेरे भाई, क्या परसेंट, 20%। बहुत सही लड़के ने, अच्छा ट्राई किया। ठीक है, अब देखिए, इफ द सेल टैक्स बी रिड्यूस टू इतना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इतना एंड इतना इन द परचेज ऑफ दिस। ठीक है, किसी आर्टिकल को खरीदने में 4200 रुपया रेट है, कितना रुपया है, 4200 रुपया है, ध्यान से देखिएगा कितना रुपया है, 4200 रुपया खरीद है। अब 7/2 - 3^3 = 9, 10/3, बड़ा कौन होगा, 1/3 का अंतर आएगा, कितने का आएगा, 1/3 कितने का, सही है ना, 7^3 = 21, 20, तो 1/6 का अंतर आएगा, और परसेंट है हटाने के लिए 1/6 का अंतर आएगा ना। ठीक है, ये देखिए 7^3 = 21, 3^2 = 10^2 = 20, तो 1 आ जाएगा और नीचे का गुणा हो जाता है, 00 से 006 से काट दिए, क्या परसेंट, तो ये बताइए कितने परसेंट का डिक्रीमेंट आएगा, 7%। ठीक है, चलिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसने डील किया है। अब देखते हैं ये क्वेश्चन 29 नंबर। ठीक है, चलिए 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। पी क्यू आर एंटर इन द पार्टनरशिप विद दिस, आफ्टर 4 मंथ पी इंक्रीज बाई 50%। पहले रेशियो को कन्वर्ट करते हैं, मैंने अभी कहा फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन बस इस तरीके से आया था, इसमें पार्टनरशिप की तरह से आया। ठीक है, दो शिफ्टों में शुरू के नहीं था, तो करेंगे तो ये ढकेंगे 32 - 32 = 64, 8 × 5 = 40, 40 × 3 = 120, यहाँ 5 × 20 = 20, 20 × 5 = 100, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, काट के छोटा कर लें, कटेगा क्या, सब किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा 16 बार में, 4 से कटेगा 30 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में। अब ध्यान से बात समझना, आफ्टर 4 मंथ पी इंक्रीज हिज सैलरी 50%। देखो 16 रुपए के साथ 4 महीने तक रहा, ठीक है, पी, उसके बाद इसने 50% बढ़ा दिया, यानी 24 रुपया अब इसका हो गया 8 महीने तक। ठीक, उसके बाद क्यू अपनी सैलरी 20% घटा देता है, 20% घट जाएगा, 30 का 20% 6 घटा दिया तो कितना बचा, देखो 30 रुपया 4 महीने तक रखा, उसके बाद इसने क्या किया, 6 रुपया घटा दिया, तो अब 24 रुपया हो गए, कै महीने तक, देखो 30 का घटा दिया, 30 का 20% घटा देंगे तो 20/100 यानी कितना घटा दे, 3 × 2 = 6, 8 महीने तक। अब ये जो 25 वाला है वो पूरे 12 महीने लगा रहा है इस व्यापार में, सब किससे कट रहे हैं, 4 से काट देंगे 2 बार में, 4 से कट गया 2 बार में, 4 से कट गया क्या बार में, 3 बार में, सबका गुणा कर लीजिए, तो गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 और 48, 16 और 48 कितना होता है मेरे भैया, 64, संबंधे 30 और 48, 30 और 48 बताइए कितना हो जाएगा, 30 और 48, तो 30 और 48 = 78 हो जाएगा। ठीक है, संबंधे 25 × 3 = 75 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, कुल कितना रुपया है, ये चीज सोचिए, कुल कितना रुपया है, तो कुल कितना रुपया है, इस चीज को ध्यान से समझिए, कुल क्या रुपया है, ये चीज देखिए, तो हमारे पास कितना रुपया सैलरी है, इतना, तो ये कितना हो गया, इसको जोड़ेंगे तो हमारा 8 × 4 = 12, 5 × 17 = 7, कैरी कितना, 1 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 = 14 =
7 × 7 = 14 = 6 = 20 = 1 = 17 = 217 और 217 बराबर मेरे भाई कितना रुपया है 28 221 इसका गुना ढूंढ लीजिए लगभग लगभग हमको लग रहा है इसका 3 गुना होगा 13 गुना 130 गुना हो रहा है तो पूछ रहा है क्यू को कितना मिलेगा तो क्यू बीच वाला है ना हाँ क्यू बीच वाला है तो 78 का 130 गुना निकालो तो मेरे भाई 10 = 140 नोट कर लीजिए ठीक 10 = 140 ऑप्शन क्या हो जाएगा ए बहुत बेहतरीन सवाल पार्टनरशिप का सेट किए हैं लोग कठिन किए हैं अब देखो क्रय विक्रय 15 में खरीदे 14 में बेचे क्रय विक्रय है ना ये सीपी है और ये क्या है एसपी आसान सा क्वेश्चन दे दी 1 रुपए का लॉस किस पे 15 पे गुड़े कितना 105 से काट देंगे 3 बार में 20 बार में तो 20/3 6/2/3% की हानि 6/2 ये 50% मार्जिन से गड़बड़ी हो गई है चले अगला देखते हैं जिसकी भी है अब इसका लसा लेना है लसा कितना हो जाएगा 1/3 1/6 10/9
5/18 है, ठीक। अब इस तरीके से है, ध्यान से समझिएगा। अब इसको क्या करेंगे हम, हमको लसा लेना है, लसा तो ऊपर वाले का लेते हैं लसा, नीचे वाले का मसा। एक सवाल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा, हर सेट में है, ठीक है। ऐसे ढूंढ ढूंढ के आप सवाल लगाएंगे, जिनको मैथमेटिक्स नहीं आती है वो कर सकते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स जिनको नहीं आती, तो इसका लसा कितना हो जाएगा, 10/5 यहां काट देंगे, ऊपर लसा क्या आ जाएगा 10, देखो 10 बड़ा है, ठीक है, और ये इसको काट देगा, काट देगा ना, तो कट गया, तो ये हो जाएगा। अब इसका नीचे वाले का मौसा, मौसा सब किससे कट रहे हैं मेरे भाई, सारे किससे कट रहे हैं, देखो ये सब किससे कट रहे हैं, 3 के टेबल में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो 3 यानी 10/3 आंसर, बहुत अच्छा इस लड़के ने किया। चलिए ठीक है, आप देखिए 3500 रुपए पे 4% पे साधारण ब्याज की गणना करनी है मेरे भाई, कोई बात नहीं। 75 जिनको कुछ नहीं आता, पीआरटी लगा दो ना यार, 2/ क्या हो जाएगा 100, पीआरटी अपॉन 100, 00 से 00 कट गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा, दूना करना है, तो दूना करोगे तो 350 और 150 750 हो जाएगा, बोलिए 750 × 4 करना है तो ये कितना आ जाएगा, 3000 आंसर होगा क्या, देखिए आंसर है, बहुत सही लड़के ने अच्छा किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सही है, ठीक है, 33 नंबर पे आते हैं, देखिए अच्छा सवाल है। 72 मीटर दीवार 31 दिन में बनाता है, तो दीवार बनाना एक हमारा काम है, ठीक है, तो 72 लड़के मिलके 21 दिन में 280 मीटर बनाते हैं, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है मेरे भाई, ये बताइए कि 18 दिन में कितने लड़के मिलके 200 मीटर लंबी बनाएंगे, 200 मीटर बनाना है मेरे भाई, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, ठीक है, 7 त्रिके 7 चौके हो जाएगा, 18 चौके 72 18 से 18 कैंसिल, तो x बराबर कितने लड़के मिलके बना देंगे, तो कितने लड़के आ रहा है आंसर, 20 तिहाई 60 ऑप्शन में है क्या, देखो यहाँ 3 बचा है और यहाँ 20 बचा है, 20 तिहाई 60 त्रियक गुणा हो जाएगा, 20 तिहाई 60। चले बहुत बेहतरीन, देखो हर जगह टच किया है, इस बार जितने लोग पेपर आउट कराए थे वो उसका गुस्सा निकाल रहा है, बस ये जान जाइएगा। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% छूट देता है, प्रत्येक 15 वस्तु खरीदने पर 1 मुफ्त देता है, इस प्रकार उसे 35% का लाभ होता है। तो याद कीजिए कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, तो पहले दोनों छूटों को हम, बहुत बेहतरीन सवाल। अब कह तो रहे हैं आपसे कि ऐसे सवाल अगर उसने सेट किया है तो जान जाइएगा आप, वो गुस्सा उतार रहा है, तो 30 तारीख वालों एक्टिव हो जाना, ठीक है। अब कोई एसएससी में फर्क नहीं छोड़ा है ये क्वेश्चन डालने के बाद से, ठीक है। चलिए पहले छूट क्लियर कर लेते हैं, वो एक छूट और दे रहा है, पहला तो 4% दे ही रहा है, दे रहा है, तो पहले छूट देख ले, 100 × 96/100। दूसरा छूट क्या है, 1 वस्तु पे 16 पे छूट दे रहा है 100 × 100, तो 4 से काट लेंगे 25/4 छूट दे रहा है, यानी 100 में से 25/4 घटाएंगे तो 375/4 आएगा, और परसेंट में देखेंगे तो गुड़े लिखेंगे यहाँ 375/400 हो जाएगा। बोलिए जल्दी करिएगा इसको, 0 से 0 कैंसिल, 25 से मेरे भाई इसको काटेंगे, 25 से काटिए, 25 से कटेगा क्या बार में, ये कटेगा 16 बार में और ये कटेगा 15, 16 × 96 15 × 96 90, यानी 90% में कोई चीज बेचता है फिर भी उसे 35% का लाभ होता है, 135। तो अगर वह छूट नहीं देता, व्हाट वुड बी द मार्क्ड प्राइस, मार्क्ड प्राइस कहाँ रखा होता, तो अगर मैं 100 कर दूं, तो 100 करूंगा तो 135 गुड़े कितना हो जाएगा, 100/90 मेरे भाई, 0 0 काट दिए, 9 से काट दिए, 15 बार में 15 जहां के 150, 150 मतलब 100 से कितना ज्यादा 50%। बहुत बेहतरीन, लड़कों ने टच ही नहीं किया होगा, 90% लड़कों को ये सोच के गए होंगे कि एक्स का एक्स परसेंट मिले, इस बार समझ में आएगा कि लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने से आपको ज्ञान नहीं प्राप्त होने वाली, आपको गुरु के समीप चलना पड़ेगा, ठीक है। और जितने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाले हैं, ठीक है, कि ऑनलाइन के माध्यम से सोच रहे हैं कि बच्चों का हम सिलेक्शन करा लेंगे, वो इस बार रोएंगे मैथ्स का पेपर देख के आज वाला, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 मैन 1 आदमी मिलके किसी काम को 14 दिन में, जब पढ़ाता हूं चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो अब देखते हैं क्या कर रहे हैं, 14 दिन में पूरा कर रहे हैं इतने दिन में, तो हाउ मच वी गेट वुमेन, ठीक है कितना पैसा मिलेगा, तो क्षमता के अनुसार क्षमता बना लो। तो देखो दो आदमी और एक औरत एक काम को कई दिन में खत्म करते हैं, 14 दिन में, और चार औरत बोल दिया ना पहले, हाँ चार औरत दो आदमी इस काम को कई दिन में खत्म करते हैं, 8 दिन में, तो क्षमता बना रहे हैं। तो यहां 7 से और यहां 4 से 2 से कट गया, अब 7 दूनी 14 मेल प्लस यहां कितना हो जाएगा मेरे भाई, 7 फीमेल होगा ना, ठीक। यहां कर रहे हैं 4 चौके 16 फीमेल माइन प्लस 8 मेल, मेल पलटी मारेगा तो 6 मेल बचेगा, औरत पलटी मारेगी तो 9 बचेगी, ठीक है 9 फीमेल बचेगी ना, तो मेल बट्टा फीमेल बाबू कितने का हो गया तुम्हारा 9/6 का, यानी 3/2 की क्षमता, और 3 बराबर मेरे भाई कितना दिया है उसको, कै रुपया देते हो तुम, 3 बराबर 600 देते हो, इसका कै गुना 200, तो इसका 200 दोगे तो बहुत बेहतरीन बहुत बेहतरीन। ऐसे ही सवाल सेट करो कि लोगों को समझ में आए कि लाइब्रेरी में बैठने से और केवल मजाक करने से एसी का हवा खाने से ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी जब तक भीड़ में बैठ के पढ़ाई नहीं करना सीखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कर्मचारी की संरक्षण जूते की खरीद के लिए कारखाने में वार्षिक बजट की तुलना में 60%, यदि इस वर्ष जूते की कीमत में भी 20% की वृद्धि हुई है तो इस वर्ष वह जूते खरीदने का पिछले वर्ष के जूतों की संख्या में कितने प्रतिशत के अधिक कर दे, ठीक है कितना प्रतिशत अधिक कर दे कर्मचारी संरक्षण कर। चलिए देखिए सवाल बहुत बेहतरीन है, देखिए सपोज करिए पहले हम 10 जूता खरीदते थे, हर जूता 100 रुपये का खरीदते थे, तो मेरे भाई मेरा 1000 का बजट आता था, अब वो कह रहा है कि 60% बजट में वृद्धि होगी, यानी अब 1600 रुपया हमको मिल रहा है, अब 1600 रुपया मिल रहा है, और मेरे जूते के रेट में जो 100 रुपये का जूता था अब वो कितना मिल रहा है, 120 जूता, तो ये बताओ मैं कितना जूता खरीद पाऊंगा, एक्स जूता खरीदूंगा मालूम नहीं तो काट के देख लेता हूँ 0, और ये काट दूंगा तो 40/3 जूता खरीदूंगा पहले की तुलना में, पहले 10 खरीदता था तो कितना जूता ज्यादा खरीद रहा हूँ, 40/3 अब खरीद रहा हूँ, पहले 10 खरीदता था तो घटा दूं तो 10/3 जूता खरीदता था ना, तो जूते में कितने की वृद्धि हुई, तो बट्टा क्या कर देंगे नीचे 10 और गुणे परसेंट में चेंज करेंगे, 100 0 0 कट गया, यानी आंसर कितना आ गया सॉल्व करेंगे तो 100/3 यानी आंसर में 33 सही 1/3, बहुत बेहतरीन। बाबू एक बात याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो सेट किए हैं लोग ना आप हलवा में मत लीजिएगा, बस आपसे यही अनसोर है कि जैसे जैसे पेपर कठिन होता जाएगा फिर ये तो आप लोग के लिए समस्या क्रिएट करेगा। देखो वही सवाल फिर से आ गया, ठीक है दूध और पानी में 3 संबंध है 7 का अनुपात है मिल्क और वाटर में, ठीक है हम मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाते हैं, 10 लीटर इसको मिलाया गया है पानी मिलाते हैं, तो अब अनुपात 1 संबंध है 3 हो जाता है। ध्यान से बात समझना, ध्यान से क्या करना है हमको, ये वाला बराबर करना है क्योंकि इसमें मिलाया गया है ना, तो गुणे 3 कर ले रहे हैं, तो 3 संबंध है 7 और 3 संबंध है 9, 10 लीटर मिलाया गया तो 2/10 तो इसका कै गुना 5 गुना, तो पूछ रहा है फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क, तो इनिशियल क्वांटिटी में मिल्क कितना था 3 है ना, तो 3 का 5 गुना 15 लीटर है, बहुत बेहतरीन सवाल सेट किया। चलो अगला देखिए, द अमाउंट ऑफ मनी 7000 बिकम्स 8000 एट ईयर्स और कंपाउंडेंटली इंटरेस्ट, ठीक है देखिए बहुत अच्छा ये सवाल जब भी क्लास में पढ़ाए हैं अपने जीते जी बोले हैं, 4 साल में कोई रुपया अगर 700 हुआ, 8 साल में रुपया 1000 हो गया आफ्टर 8 ईयर्स, 1000 हो गया ठीक है आफ्टर 8 ईयर्स कंपाउंडेंटली, फाइंड द इनिशियल मनी, मैं ये चिल्ला पढ़ाया हूँ मेरे भाई अपने जीते जी पढ़ाया हूँ कि जब भी समय दुगना हो तो प्रिंसिपल पूछा जा सकता है, डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है कम वाले का वर्ग, काश याद होता आप लोग का बटा ज्यादा वाला, ये मैं कहाँ हूँ कि ये डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। बाबू पेपर बहुत अच्छा बना रहे हैं, अब मैं पेपर वालों के कहूँगा कि आप अब सतर्क हो जाइए, जो लोग लाइब्रेरी में बैठ के और ये सोचते थे कि उनका केवल सिलेक्शन वहाँ से हो जाएगा, तो पढ़ते रहें
और ऑनलाइन पढ़ते रहें और सिलेक्शन लेने से बहुत दूर रहेंगे वो लोग। ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल। ये जो लोग मेरे क्लास में बैठे होंगे ना मैथ्स के, उनको एक एक सवाल याद आता होगा कि हम क्या किए हैं, ठीक है, और हम क्या पढ़ाए हैं, उनको याद जरूर आती होगी मेरी। ठीक है, अच्छी बात है, आनी भी चाहिए, नहीं आएगी तो पता कैसे चलेगा कि हम भी जिंदा हैं। ठीक है, चलिए अब रीजनिंग है, रीजनिंग को देखते हैं, जल्दी जल्दी निकालते हैं। 220, 221, 229, क्योंकि वहाँ नहीं लिख रहा है ना, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गंदा कर दिए हैं लोग। 1, 8, हाँ 39 छूट रहा है, अरे 39 अभी कर लेंगे। ठीक है, 39 अभी करते हैं, पहले 40 नंबर पे आ गए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वो उतना गूंज दिया गया है ना कि वो समझ में नहीं आ रहा, अभी देखते हैं उसको, घबराइएगा नहीं। ये है 8 और ये 27, तो देखो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 64 इसमें जोड़ दें, 256 में 64 जोड़ दीजिएगा, तो 64 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 320। ऑप्शन मारिए है, किया है इस लड़के ने। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो 39 नंबर है, 39 नंबर में ये 40, 96, 49, 13, 58, 32 और 33, 80, ये क्या है, ध्यान से देखना, ये सारे क्या हैं, ये क्यूब है। ठीक है, क्यूब है ये, ये भी क्यूब है 40, 96। ठीक है, 16 का क्यूब है शायद, ठीक है 40, 96, और ये 17 का क्यूब है लाइन से, लेकिन ये किसी का क्यूब नहीं है। ठीक है, तो हम 33, 80 के साथ जाएंगे, ये थोड़ा सा याद रखिएगा, करके देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होगा, लड़के ने सही ट्राई किया है। ठीक है, चलते हैं, अगला फिगर इमेज है। फिगर इमेज में देखो कुछ नहीं करना, साफ है, यही कर दे रहे हैं, लड़के का हाथ यहाँ झुका होना चाहिए, झुका होना चाहिए, यहाँ पे भी झुका है, इसमें भी झुका है, इसमें स्ट्रेट हो गया है, और टंग पैर इधर होना चाहिए और पैर कलर्ड होना चाहिए, इसमें है, ये नहीं होगा, पैर इसमें है। ठीक है, हाथ, अब बॉल, ये वाला हाथ सीधा है जिधर बॉल है, दूर वाला, ठीक है, तो ये वाला तो नहीं होगा। अब ऑप्शन बचा आपके पास चौथा, तो हम चौथे के साथ जाएंगे। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ देखो एक्सप्लेन करके कर रहा हूँ तुमको, इतना एक्सप्लेन करके कोई नहीं करेगा। सिद्धू एक परिचय, एक व्यक्ति का परिचय देते हुए, परिचय अपनी माँ के, सिद्धू अपनी माँ के भाई, भाई के बेटे के रूप में करते हैं, माँ है इनकी, माँ है ये, इनका भाई है और उनके बेटे के रूप में करते हैं। ठीक है, यानी मामा के लड़के हैं ये। ठीक है, तो वह सिद्धू भाई से कैसे संबंधित है, भतीजा नहीं होगा, कजन बोलते हैं। ठीक है, कजन से होगा तो एक कजन हो जाएगा। ठीक है, एक कार 65 किलोमीटर की गति से चलता है तो 195 किलोमीटर की कितना समय लेगा। ठीक है मेरे भाई, इसमें मरा हुआ सवाल, ये तो तुमको नंबर बांट रहा है, ले जाओ ना मेरे भाई, कई घंटे में, 3 घंटे में नंबर दिया है ये तुमको। ठीक है, हलवा का नंबर दिया है इस पेपर में। ठीक है, ग्रीन को 49 लिख रहे हैं, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, ग्रीन को 49 लिख रहे हैं तो उसको क्या लिखेंगे, ये नंबर, ये क्वेश्चन आ रहा है आपको, ग्रीन को 49 लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं देखना, 5, 5, 7 और ये कितना, 14, और ये आर कितने नंबर पे आएगा, आर कितने नंबर पे आएगा, 18। ठीक है, सही है ना, हाँ 18, 7, 25, 25 और 10, 25, 10, 35, 35, 49 जोड़ दिया जा रहा है। तो मेरे भाई वायलेट और पिंक को जल्दी से, वायलेट और पिंक, एकदम समय नहीं गंवाना है, तुरंत जोड़िए इसको जैसे जोड़ सकते हैं। वायलेट कितने नंबर पे आता है, 22, 21, 31 और 15, 46, 46 और 12, 46 और 12, 58, 58 और 5, 63, 63 और 20, 83। ठीक है, ये सही है जोड़ने पे, देख लीजिए 83 हो गया। अब यहाँ कितने नंबर पे आता है, 16, 9, 25, 25 और 14, 39, 39 और 11, 39, 39, 11, 50, क्या 33 ऑप्शन में चमक रहा है कहीं, हाँ चमक रहा है मेरे भाई। चलिए अब देखते हैं, ये तीन बच्चे सैम, जॉन, एन आइसक्रीम खा रहे हैं, प्रत्येक बच्चा उपलब्ध स्वाद में अलग अलग स्वाद का खाते हैं, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड, चार बच्चे हैं। ठीक है, चार बच्चे हैं, सैम वनीला नहीं खाता है। ठीक है, कौन कौन सा फ्लेवर है, चॉकलेट है, स्ट्रॉबेरी है, बटर स्कॉच है, वनीला है, ये वनीला नहीं खाता है। ठीक है,
जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाता है, ठीक है। और एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाता है, एन कभी बटर स्कॉच नहीं खाता है, एन बटर स्कॉच नहीं खाता है। चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जा सकते हैं, चॉकलेट और बटर स्कॉच, चॉकलेट और बटर स्कॉच एक साथ नहीं खाए जा सकते हैं। वेनिला और चॉकलेट को एक साथ खाया जा सकता है, वेनिला और चॉकलेट को एक साथ खाया जा सकता है। उपर्युक्त विकल्प में से कौन सा स्वाद है? देखिए, एन कभी क्या नहीं खाता है, ये एक और बच्चा बच गया ना, सैम, जॉन, एन, तीन बच्चे हैं ना, चलो ठीक है, तीन ही बच्चे हैं, ठीक है। प्रतीक चार खाते हैं, ठीक है, चलो। सैम वनीला नहीं खाता है, चलो ठीक है, वनीला नहीं खाएगा। जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाएगा, जॉन स्ट्रॉबेरी नहीं खाएगा। ये कौन नहीं खाएगा? बटर स्कॉच। और क्या कह रहा है? बटर स्कॉच और चॉकलेट एक साथ नहीं खा सकते, तो बटर स्कॉच और चॉकलेट नहीं खाएंगे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं? वेनिला और चॉकलेट एक साथ खाया जा सकता है, वेनिला और चॉकलेट, वेनिला कहाँ है? यहाँ है, और चॉकलेट एक साथ खाया जा सकता है, तो वेनिला और चॉकलेट एक साथ खाया जा सकता है, ठीक है, खाया जा सकता है, सही है ना। हाँ, अब चल नया बार है, आराम से रुक जाइए। सैम स्ट्रॉबेरी खाएगा, सैम स्ट्रॉबेरी खा सकता है, ठीक है। जॉन, जॉन चॉकलेट खाएगा, खा सकता है, और वेनिला भी खा सकता है, ठीक है। हाँ, तो चॉकलेट और नहीं खा सकते हैं, हाँ, साथ में है, तो पहला वैसे कट जाएगा, ठीक है, नहीं खा सकते हैं, तो उनका कट गया। चॉकलेट और वेनिला और कहीं है? चॉकलेट और वेनिला नहीं, चॉकलेट और बटर स्कॉच कहीं है? हाँ, तीसरे ऑप्शन में भी है, तीसरा भी कट जाएगा, चॉकलेट, वेनिला और स्ट्रॉबेरी है। एन स्ट्रॉबेरी, एन क्या खाएगा? एन स्ट्रॉबेरी खा सकता है, खा सकता है। जॉन, जॉन, जॉन वेनिला खाएगा, खा सकता है, ठीक है। जॉन चॉकलेट खाएगा, नहीं, जॉन वेनिला खा सकता है, ठीक है। और ये सैम बटर स्कॉच भी खा सकता है, तो ये जॉन और ये खाएंगे नहीं, दूसरा ऑप्शन बच रहा है, ठीक है, ठीक है। देखिए, सैम चॉकलेट खा सकता है, सैम चॉकलेट खा सकता है, ठीक है। जॉन वेनिला खा सकता है, जॉन वेनिला खा सकता है, चॉकलेट और वेनिला एक साथ खाया जाता है, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन होगा, सॉरी, पहला भी हो सकता, दूसरा और चौथा ऑप्शन है क्या? दूसरा चौथा दोनों हो सकता है, ठीक है, चले अगला लिखते हैं, दूसरा चौथा दोनों हो जाएगा, ठीक, अगला देखते हैं। ये वाला देखिए, ये फिगर किसमें निहित है पूछ रहा है, तो कैसे होगा? निहित है, तो निहित है में क्या है, कौन सी आकृति है, कहाँ गया सवाल? देखिएगा ध्यान से, ट्रायंगल बन के ऐसे होना चाहिए और ऐसे ऐसे चलना चाहिए, ठीक है, तो ट्रायंगल यहाँ ऐसे है, तो चाहिए एक मिनट, पहला नहीं होगा बाबू, रुक जाओ एक मिनट, देखिए ऐसा ऐसे बनना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए लास्ट में, ये नीचे की तरफ है, ये होगा नहीं, ऊपर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ये हो रहा है, चौथा ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है, आंसर क्या होगा? चौथा सही किया है उस लड़के ने, ठीक है। अगला देखते हैं, कितने का अंतर है? 140 यहाँ करते हैं, 140 है, 120 है, 90 है, 50 है, कितना घटा? 20, कितना घटा? 30, कितना घटा? 40, कितना घटेगा? 50, आंसर 0 है क्या? हाँ, आंसर हो जाएगा 48 नंबर। कितना टाइम हो गया बाबू? ठीक है, कोई नहीं, 7 बज गया है, कोई दिक्कत नहीं है। बी सी ई जी नहीं, सॉरी, एक छूट गया, ठीक है, एक छूट रहा है, कौन सा छूट रहा है? एफ जे एन आर, ये कोडिंग जिनको आ जाएगा ना वो कर लेंगे, ठीक है। ये कितना आएगा? 6 नंबर पे, ये कितने नंबर पे? 10, ये 14, ये 18, तो 22 पे वी आता है, मेरे ख्याल से ये हो जाएगा, लड़के ने अच्छे से किया है, ठीक है, बहुत अच्छे से किया है। बी सी ई जी करना है, ये कितने नंबर पे?
दो नंबर पे, ये कितने नंबर पे, तीन नंबर पे, ये कितने नंबर पे, पांच नंबर पे, ये कितने नंबर पे, सात नंबर पे, यानी ये दो दो का कॉम्बिनेशन चल रहा है, यहाँ डिफरेंस दो का हुआ है, ठीक है। तो आई जे थोड़ा सा ये जब सिचुएशन चेंज हुआ है तो दो हुआ है, तो हो सकता है चार का भी बने, ठीक है, चार का मेरे ख्याल से बने। तो 11 नंबर पे क्या आता है, के, ठीक है। देखना कई लोग 90% लोग आई के साथ जाएंगे, लेकिन ये गलत होगा, मेरे हिसाब से के होना चाहिए, ठीक है, सिचुएशनल है। अब देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देख लेते हैं। देखो ये अंदर है, एक एक चीज हट के शिफ्ट हो रहा है, यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए, ठीक है। तो अंदर की तरफ होगा, सारे ट्रायंगल्स के मुंह अंदर की तरफ है, आंसर ए दे देंगे इसमें, ठीक है। चले बोले कोई दिक्कत। अब इसमें ट्रायंगल जोड़ना है, ट्रायंगल की आकृति कैसे बनी है ध्यान से देखिएगा, जोड़ने का प्रयास करते हैं, कितना है, बीच में से काट दें, ठीक है, उसके बाद ऐसे काट दें, ऐसे कर दें, और उसके बाद ऐसे कर दें, यही है ना, ठीक। ट्रायंगल हमको जोड़ना है, कितने त्रिभुज होंगे, तो एक दो, तो एक दो, एक दो, एक दो, एक दो, तो यहाँ टोटल तीन तीन बनने लगे, तीन 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 हो गया ना, तीन चौके 12, तो 12 तो ऑप्शन 10 कट गया, ऐसे ही 12 ऐसे ही दिख रहा है, तो 12 होगा नहीं, 12 भी कट गया, बचा ऑप्शन 20, ठीक है, 12 12 हो गए। 12 के बाद से हम देखते हैं तो एक दो तीन और चार, चार बना, यानी चार तीन, चार तीन कितना हो जाएगा, चार तीन सात, सात दो, ठीक है, तो 12 12 चार 16, 16 तो ऐसे दिख रहा है मुझको साफ साफ, तो 16 होगा नहीं, क्यों, क्योंकि 16 के साथ ये 20, हम 20 वाले का आंसर मारते हैं। अब पता नहीं जो भी होगा देखा जाएगा कितना होगा। ओह माय गॉड, मेरा चेस दे दिया क्या। अब क्या कह रहे हैं, कितने का क्यूब होगा, ठीक है, कितना होगा, तो देखिए टोटल कोठा अगर देखा जाए तो एक दो तीन आठ बनेंगे, एक दो तीन चार ऐसे कर करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है, ठीक, एक दो तीन करके, तो एक दो तीन ऐसे बनाएंगे, एक दो तीन आठ बनेगा, आठ का क्यूब कर दीजिए सीधी, नहीं बनेगा, छः 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 आठ छः, तो हमारे हिसाब से 1000 तो नहीं होना चाहिए, किसी भी शर्त पे 1000 नहीं बनेगा। 1298 और 1296 में डाउट है, ठीक है, 1298 1296 में डाउट है, क्योंकि क्यूब ढूंढना है, आठ आठ बनेगा, ठीक है, चार ठीक, चौसठ चौसठ चौके, ठीक है, चार का क्यूब ऐसे और चार का क्यूब ऐसे, चौसठ 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 का, ठीक है, ये हो जाएगा, तो हमारे ख्याल से 1296 के साथ चल रहा है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, इसमें 1296 ही देंगे, ठीक है। इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, अभी इतना समय नहीं है कि हम एक्सप्लेन कर पाए, अभी के लिए बस उससे काम चलाइए, ठीक है। अब देखिएगा क्या हुआ इस चीज में, ये एक बढ़ रहा है, कैसे हो रहा है ध्यान से समझिएगा, अगर ये एक बढ़ा, दो बढ़ जा रहा है, कैसे कर रहा है, उपर्युक्त श्रृंखला का सीरीज निकालिए, ठीक है, तो एक को पकड़ो, एक को पकड़ते हैं, तो अगर सपोज कर लो यहाँ आता है तो एक वहां रहेगा, एक ये एक यहाँ बढ़ा तो ये यहाँ आएगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि एक यहाँ आ गया किस हिसाब से, ठीक, तो ये आए हैं तो दोनों लोग वहां पहुंच गए, तो दोनों लोग वहां पहुंच गए, तो ठीक, उसके बाद ये दोनों लोग यहाँ आ गए, तो किस हिसाब से चल रहा है देखिए, तो ये इसके विपरीत सतह पे रहेंगे, तो विपरीत सतह पे रहेंगे तो कहाँ रहेगा, एक यहाँ, ठीक, हाँ ठीक है, तो किसके साथ ऑप्शन में जाएंगे। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या है, ये वाला मेरे ख्याल से तीसरा ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी के साथ। इस वाले में देखो एंगल बन रहा है, एंगल बना, झुक रहा है, फिर थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, फिर टिल्ट हुआ, फिर यहीं से थोड़ा सा झुकेगा ऊपर की तरफ, बीच में मुख खुलेगा, तो एक तो ये ऑप्शन हो सकता है चौथा, मतलब ये चौथा वाला दिया जा सकता है, या तो ये हो सकता है, ठीक है। यहाँ मिरर इमेज इसका बन रहा है, तो इसका भी मिरर इमेज यहीं बनेगा, तो मिरर इमेज चौथा नहीं होगा, तो हम किसके साथ जाएंगे, पहला पहला ऑप्शन कहाँ दिया है, डी वाले पे,
ठीक है, चलिए डी पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सेट किया है इसको। अगला देखते हैं, मछली गल फेफड़े से सांस लेती है तो मनुष्य किससे लेता है? लंग्स से, सही है ना। ठीक है, रुको जाओ सबसे अधिक समान कौन सा है? प्रारंभ शुरू, ऊंचा नीचा विलोम है, रोना मुस्कुराना, रुको जाओ नहीं, समान कह रहा है, अधिक समान है तो प्रारंभ शुरू के साथ जाएंगे। जब एक शंकु को इसके आधार के समानांतर प्लेन द्वारा काटा जाता है तो लेकिन इसके शीर्ष एक्सिस को एक्सिस से नहीं गुजरता है, लेकिन इसके व्हेन एन कोन इज स्लाइस पैरेलल टू द बेस बट नॉट पासिंग थ्रू इट्स एक्सिस, व्हाट इज द शेप ऑफ द आंसर? क्या होगा? सर्कल ही बनेगा। ठीक है, जब इसके बेस से किसी चीज को काटा जाएगा तो सर्कल ही बनता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, हिंदी यहाँ से शुरू हो रही है तो थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग देखते हैं हिंदी क्या होगा। देखिए, लक्ष्य का अनेकार्थी, एक मिनट रुको, लक्ष्य का अनेकार्थी शब्द क्या होता है? लक्ष्य का क्या होगा? निशाना। ठीक है, जैसे कहते हैं ना लक्ष्य है हमारा। नगर का, रुक जाओ एक मिनट, नगर का पर्यायवाची ढोल चतुर नागर का, नागर का होता है ढोल तो नहीं होगा, ठीक है, चतुर नहीं होगा, ग्रामवासी नहीं होगा, क्या होता है? नगर। ठीक है, पर्यायवाची नागर का, ठीक है, याद रखिएगा। माल फेरत जुग भया, फिर न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। ठीक है, अब इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, तो देखो अनुप्रास कह लोग इसको मारेंगे, बच्चा जैसे कंफ्यूज था, लेकिन यहाँ मन का है, मन का मन रूपक यमक, यमक अलंकार होगा। ठीक है, यहाँ पे किसी की सहायता करने वाला, किसी की सहायता करने वाला क्या कहलाता है? देहाय सहायक, हमेशा क्या कहलाएगा? जो सहायक, जो किसी की सहायता। किस वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है? कर्ता ने कर्म से करण के द्वारा। ठीक है, तो साधु की संगति से बुद्धि सुधरती है, साधुओं की संगति से सेव दिया है तो कौन सा होगा? ये अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? अंतर्निहित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? देखो अंतहीन नहीं होता, अंतर नहीं होता, अंत होता है, लेकिन ये कैसा है? तुम्हारा विसर्ग संधि कहलाती है। ठीक है, हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र को दिया जाता है? हिंदी को नई दिशा प्रदान करने के लिए या भाषा संस्कृत के लिए? ये दोनों ऑप्शन में फंसाएगा बच्चों को, तो हिंदी का है तो लोग सोचेंगे हिंदी वाले के साथ जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, भाषा संस्कृत के लिए दिया जाए सलाका पुरस्कार। क्रोध किस रस का है? तो क्रोध किसका है? रौद्र रस का। ठीक है, किसका है? रौद्र रस का। हिंदी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं का वचन क्या होगा? तो हम होता है मैं का वचन, बहुवचन क्या होता है? हम होता है। विरोध करना के लिए सही क्या होगा? सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाना मतलब लात दुराल करके बढ़ा देना, सिर उठाना, सिर पे उठाना सही लग रहा है, सिर झुकाना मतलब कुछ अपमानित काम कर दें जिससे सिर झुक जाए, सिर कटाना मतलब त्याग की भावना रखना किसी के प्रति, तो मेरे हिसाब से सिर उठाना होगा। स्रोत और स्रोत शब्द का युग्म क्या होगा? स्रोत, देखिए उद्गम स्रोत, उद्गम जैसे कहते हैं ना, स्रोत कहाँ से है? उद्गम, ठीक है, उद्गम और स्तुति दिया है तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ठीक है, स्तुति स्रोत, उद्गम तालाब सोना स्रोत, ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है स्रोत और स्रोत। ठीक है, तो क्या कहें, दोनों में अंतर तो एकदम नहीं दिख रहा है हमको, कहाँ से अंतर है दोनों में? दोनों तो तत्व है, स्रोत स्रोत स्रोती है, तो ऐसी स्त्री में स्रोत, देखिए मेरे ख्याल से सोना और तलब को कहा जाएगा, लेकिन अब देखिए क्या होता है, सोना और तलब हमारे लिए उद्गम और स्तुति भी हो सकता है स्रोत। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला, अली अली, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अली अली तो इसका क्या हो जाएगा? सीधे भौरा और सखी, इसका क्या होता है? भौरा और सखी। पुस्तक पढ़ी जाती है में कौन सा वाच्य है? पुस्तक पढ़ी कृतवाच्य है, पढ़ना कौन भाववाच्य, बच्चा हो जाती है गलती एग्जाम में। तत्सम शब्द नहीं है,
तत्सम शब्द नहीं है, तत्सम शब्द नहीं है, नेह नख 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 क्षमा नेह नेह नख नख में तो होगा, क्षमा छ हो गया, नग्न तो कौन से में नहीं है, तत्सम नेह में नहीं है, ठीक है। नेह मतलब प्रेम होता है। महंत जी अध्यात्मक का अच्छा ज्ञान है, ठीक है, विकल्प का चयन करें प्रतिस्थापित। महंत जी को अध्यात्म का आध्यात्म तो नहीं होगा, आध्यात्म नहीं होगा, ठीक है। अध्यात्म का अच्छा ज्ञान है, अच्छा ज्ञान है, साझान है, तो झान यहाँ कहाँ से आ गया, ये तो नहीं होगा, ठीक है। अध्यात्म अध्यात्म पूरा तो होगा क्या, ठीक है, इसी के साथ जाएंगे। शुद्ध वाक का चयन करिए, निरअपराधी व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। और बदमाश ने शुद्ध वाक मुक्त हस्त दान किया, ये क्या होता है, ठीक है, मुक्त हस्त दान किया, उसे पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिले, उसको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं मिलेगा, सही होगा। निरअपराध व्यक्ति को दंड नहीं मिले, व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए, बस व्यक्ति को दंड नहीं मिलना चाहिए। भारत कभी ब्रिटेन के अधीन था, ये एकदम शुद्ध वाक लग रहा है, अधिक अधिक अधीन, अधीन में गलत है क्या ये लिखने का तरीका, सही है अधीन, सही तो है, कहें उसको बेचारा, अच्छा जिसका है उसने गलत किया, सॉरी। गमही शब्द है, गमही क्या है, तत्सम है, ठीक है। गमही तत्सम क्यों टिक किया गया, अच्छा वो टिक किया, तत्सम नहीं, विदेशज देशज, तो मेरे साथ तद्भव के साथ मैं जा रहा हूँ, ठीक है। कपाल, कपाल का क्या होगा, कपाल का पर्यायवाची, कपाल का क्या होगा, सही है माथा, कपाल माथा को कहते हैं, सिर को। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण, सही है। अगला, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ क्या है, जीत जाना, कमर टूट जाना, चोट लग जाना, निराश होना, तो हम क्या कहेंगे, कमर टूटना तो नहीं कहेंगे, चोट लगना भी नहीं कहेंगे, निशान, ठीक है। ऐसणा का अर्थ क्या है, ऐसणा का अर्थ घृणा होती है, ऐसणा का अर्थ घृणा। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विदुषी, विदुषी क्या होती है, विदुषी, ये बहुत फेमस है। वाक्य में उचित विराम चिन्ह, ओ विस्मयादिबोधक, कौन सा चिन्ह लगेगा, विस्मयादिबोधक। अब 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार, देखिए अब समय नहीं लगेगा इसको करने में, ज्ञानपीठ पुरस्कार की रचना को किसको मिला, तो आप लोग थोड़ा सा याद रखिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, 2016 से लेके 2024 तक के ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, किसका होगा, तो हमें नीलमणि फुफन को मिला था उस साल, ठीक है, नीलमणि फुफन को, ठीक है। चूड़ी अच्छी थी में थी कौन सी क्रिया है, थी में औचित्य बोधक क्रिया, अधिकायक बोधक क्रिया, या योजक क्रिया, इसको योजक क्रिया बोलते, बहुत अंदर से सवाल आया है बाबू, मेरे हिसाब से योजक के साथ जाइएगा। बुरे अर्थ में प्रयुक्त तो होने वाले बद उपसर्ग किस भाषा का है, बुरे अर्थ में प्रयोग होने वाले बद, बद किस भाषा का है, अंग्रेजी का, हिंदी का, उर्दू फारसी का, संस्कृत का, बद 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 माने उर्दू शब्द है। आत्मनिर्भरता रचना किसकी है, आत्मनिर्भरता रचना किसकी है, तो रामचंद्र शुक्ल जी की है, जो बहुत शायद इन्हीं की रचना है, कि रचना सही है ना, तो बस सर्च कर लीजिएगा। दिए गए विकल्पों में कौन सा जोड़ा समश्रुत भिन्नार्थक है, समश्रुत अभय उभय, ठीक है, अंत आरंभ, अणु अणु, अणु अणु समश्रुत भिन्नार्थक, ठीक है, अंत प्रारंभ, भिन्नार्थक कहां से हो गया, समश्रुत भिन्नात्मक जो एक तरह सुनने में लगे, नहीं है, अच्छा सॉरी, अनिल अनल लग रहा है, उभय नहीं है बोल रहा है, तो अंत और आरंभ दोनों अलग हो जा रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अगला लिखिएगा, निम्नलिखित वाक्यांश में से जल में समाधि, जल में समाधि, में तत्पुरुष अलंकार, तत्पुरुष समास हो जाएगा, अलंकार कह रहे हैं समास हो जाएगा, यहाँ बोलने दो चिड़ को, बोलने दो चिड़ को, बोलने दो चिड़ को, बोलने दो चिड़ को, नरेश मेहता अज्ञान सुमित्रानंद पंत, अज्ञान नरेश मेहता सुमित्रानंद पंत, नरेश मेहता सुमित्रानंद पंत की कोई ऐसी रचना नहीं है, ठीक है, बोलने दो चिड़ को, बोलने दो चिड़ को, हमको लग रहा है एकदम नए राइटर हैं, तो नरेश मेहता के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि सुमित्रानंद पंत के मैक्सिमम चीजें याद है। दीजू के अनेकार्थी शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है, ठीक है,
कौन सा एक शब्द नहीं आता, पक्षी, दिजू, दिजू नहीं है, दिजू दांत होगा, विदेह नहीं होगा शायद, ब्राह्मण दिज को बोलते हैं, ठीक है। ब उपसर्ग, बदौलत, बरसा, बर्दाश्त, बा कलम, बदनाम, ठीक है, बद होगा इसमें, ठीक है, बर्दाश्त, ब रदास शब्द है, ब से बना उपसर्ग, बद होगा इसमें शायद, चौथा नहीं होना चाहिए, चौथा नहीं होगा, हाँ ये भी बाकलम भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हो सकता, आंसर किसके साथ देंगे, बदौलत, ब होगा, ठीक है, थोड़ा सा गलती होगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें इसको कर लिए हैं, ठीक है, थोड़ा सा अब इसको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा यार, ठीक है, चलिए देखते हैं। हिंदी भाषा को मान्यता प्रदान की गई, ठीक है, हिंदी भाषा को संविधान को मान्यता दी गई, पहला क्वेश्चन दे दिया 1949 में, मार देते हैं 93 का बी, ठीक है, पढ़ते ही, किस भाषा को विश्व भाषा बनाने की ज्यादा संभावना है, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, हिंदी को सी, सी हिंदी के बारे में चर्चा हो रही है, इसी को, इस अनुच्छेद के बारे में, इस अनुच्छेद में सार में किस भाषा पर ज्यादा जोर देने की बात की गई है, राजभाषा का अर्थ है राजभाषा, शासक राष्ट्रभाषा, राजभाषा, ठीक है, कैसे, हिंदी भाषा नहीं, हिंद भाषा पे नहीं बोलेंगे इसको, भारतीय सभी भाषा हिंद भाषा पे बोलेंगे, ठीक है, चलिए अच्छी से चलते हैं, इसी पे जोर देने का प्रयोग करने के लिए। अगला क्या है, राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों में से कौन सा व्यावहारिक नहीं है, ठीक है, इसमें सामान्य भाषा हो, जनता की भावनात्मक और संस्कृति भाषा हो, सारे देश का संपर्क भाषा हो, क्षेत्र समिति होता है, ठीक है, चौथा होगा मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है, चौथे के साथ जाएंगे। इस अनुच्छेद का निम्नलिखित में से उचित शीर्षक क्या हो सकता है, भावनात्मक भाषा, राज्य भाषा, राष्ट्रभाषा, जन भाषा या बोलचाल की भाषा, ठीक है, तो हम इसमें जन भाषा के साथ जा रहे हैं, ठीक है, चलिए अब आते हैं मैथ खत्म, थोड़ा सा रीजनिंग भी लगा लेते हैं, अब यहाँ बहुत बहुत लंबा पेपर है भाई, ये पेपर कठिन थी थोड़ी सी, ठीक है, ये शिफ्ट वाले थोड़े भोगे होंगे, अब इनको समझ में आएगा, पढ़े लाइब्रेरी में बैठ के, हम तो चाहते हैं, सात सात कितना, 14, ये कितना कम है, ये कितना कम है, ध्यान से देखिएगा, जल्दी बताइए, 16 14, ये भी 14 कम है, ये भी 14 कम है, 14 कम हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा, ठीक है। एबीसी एक गोलाकार मेज के स्टेडियम में, एबीसी एक गोलाकार स्टेडियम के चारों ओर दौड़ना शुरू करते हैं 24, 36, 30 सेकंड में, एक चक्कर पूरा करते हैं तो कितने मिनट बाद वो प्रारंभिक बिंदु पे आएंगे, लसा लिया जाता है बाबू, बोले हैं घंटी बजाना, याद रखो दौड़ना, याद रहे तुम्हें 6 से काट देंगे, 6 के टेबल में आएंगे, 36 है ना, 6 के टेबल में ये आएगा तो कई बार में, 4 बार में 6 के, अरे बाप रे बाप, फिर गड़बड़ हो जाती, सबसे बड़ा कौन है, 36, 6 के टेबल में कई बार में 5, 36 25 180 4 720, और 720 को हम किससे काट देंगे, 60 से, यानी क्या सेकंड बाद, क्या मिनट बाद, 12 मिनट बाद मिलेंगे, बहुत बेहतरीन सवाल। एंटीबायोटिक का वर्तमान, आओ वर्तमान आयु, ठीक है, क्या होगी यदि उनकी 8 संबंधी 9 का अनुपात और 4 साल बाद, वाह क्या सवाल आया है, क्लास में चिल्ला चिल्ला पढ़ाते हैं, काश तुम्हें याद रहता, एलिगेशन मेथड भी लगा दो तब भी हो जाएगा वो, क्रॉस मेथड प्रोडक्ट 80 और 81 अंतर कितने का, 1 का, 1 बराबर 4 आ जाएगा, 9 चौके 36 4, तो 8 चौके 32 और 9 चौके 36, मेरे भाई बहुत बेहतरीन, क्या पूछ रहा है, उनकी वर्तमान आयु ना, तो वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 32 और 36 साल, चलिए ठीक है, 97 नंबर क्वेश्चन खत्म। अच्छा सर कहाँ 36 40 हो जाएगा, वर्तमान उम्र दिया है, ठीक है, कुछ भी बोलते रहते हो बैठे बैठे, बहुआते रहते हो। दो चरों के बीच संबंध दर्शाने के लिए किस चार्ट का प्रयोग होगा, दो चरों के बीच देखिएगा, रेखा चार्ट, स्कैटर प्लॉट और दंड चार्ट, पाई चार्ट, अंतर प्राप्त करने के लिए स्कैटर चार्ट का प्रयोग किया जाता है, बार चार्ट, लाइन चार्ट नहीं, स्कैटर चार्ट मतलब पॉइंट पॉइंट बना रहता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं स्कैटर चार्ट। अब देखिएगा, युक्त में से कौन सी बैटरी की बिक्री सबसे कम हुई है, सभी 7 वर्षों में सबसे कम बैटरी की खपत हुई है, अरे बाप रे ये तो बहुत कठिन काम दे दिया, तो देखो कौन सा है, 4H की बैटरी देख लें, 35H की बैटरी देख लें, 55H की बैटरी देख लें,
और 7H की बैटरी देख लें। तो देखो मेरे भाई, ये ऑलरेडी हमको ये वाला और ये वाला ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, 4H वाला, ठीक, ये दोनों ज़्यादा लग रहे हैं, ठीक। बाकी ये चारों के हमको सर्च करने हैं, तो सर्च कर लो, क्या करोगे, 5, 5, 10, 5, 15, 6, 21, 21, 5, 26, 26 का 6 और बचा कितना, 2, 9, 9, 18, 9, 27, 27, 10, 37, 9, 46, 46, 10, 56, 56, 11, 56, 11, 67, 676 हो गए। ये सारे ऑप्शन निकाले गए होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। 35H वाली बैटरी, अब 7H वाले देख लेते हैं, 7H वाले कितने होंगे, देख लो मेरे भाई, 5, 5, 10, 4, 19, 19, 6, 25, 4, 29, 29 का 9, ठीक है, 29 का 9, ठीक है। ये पूरा जोड़ा होगा, जो भी बच्चा जोड़ा होगा, मेरे ख्याल से यही दे देते हैं आंसर, ठीक है। आंसर ये नहीं होगा तो 35H वाला फिर हो सकता है, तो छोड़ देते हैं, ये गलत टिक किया, जोड़ भी नहीं पा रहा है बेवकूफ, ठीक है, 35H वाला हो जाएगा। आप लोग इन दोनों को जोड़ लीजिएगा, बस जोड़ना है, ठीक है, ये काम कर लीजिएगा, ठीक। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, अभी ये सवाल है, कुछ सवाल होगा, अभी कुछ दूर तक होगा ये वाला, लगभग हमको लग रहा है 26-27 तक होगा, 113 तक होगा, चलो कोई नहीं, देखते हैं। M और N करते हैं, M प्लस M बहन है N की, तो हमको XY का मामा है, XY का मामा यानी मम्मी बीच में आएगी, ठीक है, मामा है, XY का मामा है, ठीक है। चलिए ठीक, चलते हैं, देखते हैं, एक्स वाई गुड़े जेड बोला है, वाई गुड़े जेड, वाई बेटी है जेड की, वाई बेटी है किसकी, जेड की, और एक्स जेड प्लस जेड बहन है एक्स की, जेड बहन है एक्स की, तो हाँ मामा वाला संबंध तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन भाई ये क्लियर नहीं ना हो रहा है कि ये भाई है। चलो देख लेते हैं, जेड गुड़े एक्स, जेड गुड़े एक्स, जेड गुड़े एक्स का मतलब क्या है, जेड बेटी है किसकी, जेड बेटी है किसकी, एक्स की, ठीक है, मामा बनना है ना, एक्स और वाई को मामा बनना है, बेटी बन गई, हो ही नहीं सकता। एक्स गुड़े जेड, एक्स बेटी है किसकी, जेड की, मामा किसको बनना है, एक्स मामा, एक्स को मामा बनना है, बेटी बन गया तो हो ही नहीं सकता। एक्स जेड, एक्स गुड़े जेड फिर वहां पे भी है, और प्लस वाई दे दिया, तो प्लस वाई दे दिया तो जेड मामा है, जेड बहन है वाई की, तो ये तो हमको पहला ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आंसर है क्या, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक, कुछ इसमें बन नहीं रहा है। अगला देखिए, पी क्यू भाई है, पी और क्यू भाई है, जो आर की बहन है, जो आर की बहन है, यानी ये वाला बहन है, ये भाई है, एस टी का भाई है, अरे भैया टी क्यू की माँ है, टी क्यू की माँ है, टी माँ है, क्योंकि एस और टी भाई है, भाई हो गए, तो एस का क्यू से क्या संबंध, भांजी, मामा, भतीजी, टी माँ है क्योंकि, और एस टी का भाई है, एस टी का, एस का क्या, एस क्यू से कैसे संबंधित है, तो मामा लगेगा ना, कैसे चाचा हो जाएगा, टी माँ है, टी माँ है किसकी, क्यू की, टी माँ है क्यू की, और ये सब भाई बहन है, टी इज मदर ऑफ क्यू, टी इज मदर ऑफ क्यू, एस इज ब्रदर ऑफ टी, ठीक है, चाचा बोलेंगे लेकिन चाचा नहीं बोल सकते, ये मामा का संबंध है, ये गलत सवाल है, ठीक है, हम अंकल अगर अंग्रेजी में ले रहे हैं तो चाचा अंकल ले लीजिए, लेकिन ये माँ का भाई है, माँ का भाई यानी मामा, तो ये ऐसा गलती नहीं करेंगे, ठीक है, चलो कोई नहीं, आ रहा है ये क्वेश्चन, आ रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ, सेम कोड आ जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जून जो ये करना है तो जून 10 नंबर पे आएगा, 22 नंबर पे आएगा, 10, 22 क्या बोल देंगे, ये क्वेश्चन आ रहा है बाबू, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टिक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को,
एक क्वेश्चन आ रहा है 10 22 और एल कितने नंबर पे आता है 12 और वाई कितने पे 25 एक्स वाई जेड ठीक है। ओ माय गॉड ये क्या हो गया ठीक है चलो ये हो जाएगा। अगला जिस घड़ी में 9 बजे की घंटे की सुई पूर्व दिशा में है 9 कैसे बजता है बोलो 9 ऐसे बजेगा पूर्व दिशा में कह रहा है ये पूर्व है ठीक है ये पूर्व पूर्व बोल रहा है 9 बजे पूर्व बोल रहा है ठीक है तो सीधे 180 डिग्री सब घूम गया तो कह रहा है इंगित करता है घंटे की सुई पूर्व दिशा को इंगित करता है तो 1:30 बजे 1:30 बजे की दिशा 1:30 बजे की दिशा 1:30 बजे की घंटे की सुई किस दिशा की ओर इंगित करेगा। अरे मेरे भाई 1:30 बजेगा तो 1:30 बजेगा तो वो लगभग लगभग इस डायरेक्शन में बजेगा 1:30 ऐसे यही बजेगा ना 1:30 तो घंटे की सुई किस दिशा में इंगित कर रही है ये पूर्व हो गया तो ये पश्चिम होगा बोलो ये पश्चिम बना ना और ये पश्चिम बना पूरा 180 घूम गया है तो ये दक्षिण बनेगा हाँ तो दक्षिण पश्चिम दिशा को दर्शा रहा है आंसर क्या होगा दक्षिण पश्चिम बहुत बेहतरीन। अगला देखिए यदि रविवार शनिवार गुरुवार मार्चवार हरिवार कौनवार देखो यार इतना वार हो जा रहा है कि हम भी वार करने लग रहे हैं। देखो रविवार को जनवरी और मंगलवार को मार्च और गुरुवार को मई शाबाश तो शनिवार को क्या बोलेंगे सही है रवि मतलब संडे ट्यूसडे मंडे थर्सडे फ्राइडे वेडनेसडे छूट रहा है ना सॉरी ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे थर्सडे और फ्राइडे और सैटरडे यहाँ क्या है जनवरी को दिखा रहा है जनवरी फरवरी मार्च आ रहा है हाँ मंगल को मार्च दिखा रहा है काहे बउवाते हो बे थोड़ा रुक जाओ सब्र रखो मार्च और अप्रैल और इसको मई दिखा रहा है हाँ अप्रैल मई जून जुलाई तो किसको दिखाएगा जुलाई को परेशान नहीं होते थोड़ा सा सब्र रख मेरे भाई हम भी कर रहे हैं भूत नहीं कि रट के तुम्हारी तरह बैठ जाएंगे। घड़ी का संबंध समय से है तो मानचित्र का संबंध किससे होगा कार्टोग्राफी से नहीं होगा लोकेशन से होगा समय बताता है तो मानचित्र हमको लोकेशन बताता है सही है ठीक है चलते हैं। यदि मणि टोनी से लंबा है चवास मणि टोनी से लंबा है लेकिन दीपक से छोटा है लेकिन किसके लिए प्रयोग होगा मणि के लिए लेकिन दीपक हो गया। टोनी मोहन से जितना लंबा है मोहन जितना लंबा है मणि लेकिन गोकुल से लंबा है लेकिन फिर किसके लिए गोकुल से लंबा है ये गोकुल से लंबा है तो मोहन है टोनी से छोटा नहीं मणि से छोटा सही है दीपक से लंबा नहीं बिल्कुल मणि जितना सी मणि से छोटा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 16 256 बाप रे बाप 64 क्या होगा 64 624 1024 तुम पास आए यूं मुस्कुराए दिल्ली न जाने क्यों सपने दिखाए कुछ कुछ होता है
सोलह एकम सोलह, सोलह छके छियानवे, सही है। सोलह का देखिए, सोलह का स्क्वायर दो सौ छप्पन, चौसठ का स्क्वायर बनना चाहिए था चालीस छियानवे, लेकिन आया नहीं है, तो हम गलत किसको बोलेंगे, अपन गलत किसको बोलेगा, ठीक है। चालीस छियानवे आता, फिर चार से डिवाइड हो गया, देखो सोलह स्क्वायर फिर चार से डिवाइड हो गया, ठीक है, लेकिन ये चालीस छियानवे आता, चार से डिवाइड होता आ जाता, ठीक है, तो छह सौ चौसठ डी ऑप्शन को बोलेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अगला लिखिए तेरह इकतीस डिससिमिलर कौन सा होगा इसमें, फिर ग्यारह का क्यूब है, ठीक है, ग्यारह का क्यूब है तेरह संतानवे, है ना, इक्कीस संतानवे, अंठावन बत्तीस, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी, इन दोनों में से देखो कौन सा, इक्कीस संतानवे किसी का क्यूब होता है क्या, इक्कीस संतानवे क्या कह रहे हैं, ये किसी का क्यूब नहीं है, ये क्यूब है इक्कीस संतानवे, ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ठीक, अंठावन बत्तीस नहीं, अठारह का क्यूब है, नहीं होगा, गलत है वो, फिर एक बार और चेक करो, जल्दी से जल्दी चेक करो, ऑप्शन ये नहीं हो, सॉरी ये चेक करो, ऑप्शन गड़बड़ है क्वेश्चन में, उनचास तेरह किसी का होता है क्या, ठीक है, उनचास तेरह सत्रह का क्यूब देखो है, हाँ, और इक्कीस संतानवे किसी का क्यूब है क्या, तेरह का, बारह का सत्रह अट्ठाईस होता है, है, तो ये है सत्रह का, तो ये सारे क्यूब हो रहे हैं, ये नहीं है, और ये चेक कर लो किसी का क्यूब है क्या, सिक्स एट, सिक्स एट नाइन क्यूब चेक करो किसी का है क्या, अगर अट्ठारह है तो उन्नीस का होगा, नौ नौ इक्यासी, नौ उन्नीस से काटो, उन्नीस से हो रहा है क्या, उन्नीस गुड़े उन्नीस गुड़े उन्नीस, क्यूब उन्नीस का क्यूब है, ओ माय गॉड, ये ग्यारह का क्यूब है, चलो कोई नहीं, एक मिनट बताना, ये ग्यारह का क्यूब है, देखो कहीं ग्यारह का क्यूब है, ये तेरह का, ये सत्रह का, ये अठारह का, और ये उन्नीस का, चलो हाँ हो गया, ठीक है, ये चारों के चारों कैसे हैं, विषम, और ये सम है, तो अंठावन बत्तीस सम वाले का क्यूब है, तो अंठावन बत्तीस चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे, बहुत बेहतरीन सेट किया भाई, ठीक है, चलो अगला क्या कह रहा है, प्रसिद्ध गणित जो सौ प्राकृतिक संख्याओं के योगफल का खोज किया था, तो कौन था, न्यूक्लिड्स थे नहीं, कौन था, पाइथागोरस, पहला गॉस वाले ने किया होगा, ठीक है, वही करेंगे, अब यहाँ स्क्वायर बनाना है, आउटपुट करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक, तो एक बार क्या कर लें, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, ए प्लस बी करेंगे तो सत्तर होगा, छः सौ सत्तर, और छः सौ सत्तर गुड़े क्या कर लें, एक बार घटा लेंगे तो कितना होगा, पच्चीस घटेगा बीस बचेगा चार सौ बीस, तो जीरो आ गया, जीरो जीरो दो होगा, दो जीरो लास्ट में होना चाहिए, सब में है, फिर यहाँ डिजिटल सम लगा लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, तेरह, तेरह का कितना हो जाएगा बोलो, इसका डिजिटल सम कितना, चार, और इसका डिजिटल सम कितना, छः, छः चौके चौबीस, चौबीस का डिजिटल सम छः, छः आना चाहिए, तो छः देखो किसी में है, पाँच छः पंद्रह आ गया, ठीक है, यही होगा, सही है ना, अगला लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड़ा करना था, गुड़ा कर लिए होते आप लोग, सुबह पहलवानी नहीं थी ज़्यादा, अब देखिए क्या कह रहा है, ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ए बी सी और वो सजदार है, देखिएगा ध्यान से, ठीक, डी सी के बाईं ओर बैठा है, डी जिसका मुंह पूर्व की ओर है, तो डी का मुंह पूर्व की ओर है और सी के सामने बैठा है, ये पूर्व की ओर है तो ये पश्चिम हो जाएगा, हाँ बाएं बैठा है, तो ये अगर इस तरह पूर्व करके बैठा है तो
बाएं बैठेगा ये सी हो जाएगा, कोने कोने में बैठते हैं हुसिया नाम, कैरम खेल रहे हैं, एबीसीडी साजदार हैं, कैरम कोनों में बैठ के खेला जाएगा, मतलब कुछ भी सिखा देते हैं लोग बैठे बैठे हमी को। सही है, अच्छा है, दिन अच्छा ना रहा है तो कोई सिखा सकता है, ठीक है। तो बाई ओर बैठा है जिसका मुंह पूर्व की ओर है, तो जिसका किसके लिए प्रयोग होगा, सी के लिए प्रयोग होगा ना, सॉरी गड़बड़ हो गया था, सी बाई ओर बैठा है, सॉरी हटा दो, सी पूर्व की ओर बैठा है और डी डी सी के बाई ओर बैठा है, डी सी के बाई ओर बैठा है, तो बाई ओर ऐसे बैठेगा डी, ये पूर्व दिशा में है तो ये कौन सा दिशा होगा नीचे की तरफ, दक्षिण, ऑप्शन में है क्या, ठीक है ऑप्शन मारिएगा दक्षिण, ठीक है चलिए अगला लिखते हैं। अब कह रहा है यदि श्रृंखला दूसरा भाग उलट दिया जाए तो कितनी संख्याएं के बाद एक वर्ण है, कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण है, ठीक है कितनी संख्याओं के बाद एक वर्ण है, बाय एन अल्फाबेट इफ सेकेंड हाफ इज रिवर्स्ड, हाउ मेनी नंबर्स आर फॉलोड बाय अल्फाबेट, नंबर के बाद संख्या के बाद वर्ण है, तो संख्या के बाद वर्ण है नहीं, संख्या के बाद वर्ण है नहीं, संख्या के बाद वर्ण है नहीं, अगर इसको पलट दें तो संख्या के बाद वर्ण है, संख्या के बाद वर्ण है, संख्या के बाद वर्ण है, हाँ एक, आंसर क्या हो जाएगा एक, डी ऑप्शन है सही। अगला लिखिए, जीरो दिया क्या, टेंशन ना दिया करो यार तुम लोग, अभी कहाँ जी ऐसा हुआ, इसका एक आंसर है ना, चलिए ठीक है, अरे यार वो कहाँ गया, फिर गड़बड़ हो जाएगा, ये टिक कैसे करते हैं, फिर गड़बड़ हो जाएगा क्या, ऑप्शन, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले अच्छे से। दिसंबर 2016 को समाप्ति तिमाही में भारत के सकल जीडीपी जिसको बोलते हैं कितने परसेंट की वृद्धि थी, किसमें 2016 में, देखो करंट अफेयर का सवाल है ये, ठीक है 7.3% के आसपास उस समय थी। सूर्य से पृथ्वी पर पहुंचने में लगभग कितने मिनट लग जाते हैं, 8 मिनट 20 सेकंड, ठीक है 8 मिनट 20 सेकंड। भारतीय संविधान द्वारा संसदीय प्रणाली का प्रावधान कहाँ से लिया गया है, ठीक है संसदीय प्रणाली जो हमारा देश छोड़ के गया था वहीं से, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है एमपीसी, मनी पॉलिसी कमेटी, मार्किंग कमेटी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी से होगा, ठीक है चले। विनय पिटक, बहुत बहुत अच्छी किताब, विनय पिटक किससे संबंधित है, तो विनय पिटक बौद्ध समाज से लिया गया सवाल, बहुत अच्छा सवाल। जीडीपी की डेटा की गणना और जारी करने का कहाँ गया, बस यहाँ पे रखते हैं, अब डायरेक्ट उससे करेंगे, किसके पास होता है, आरबीआई के पास होता नहीं है, वित्त गणना के पास होता नहीं है, बस एक ही पास है सांख्यिकी वाला, ठीक है इंपॉर्टेंट। कौन सा रूसी लेखक मनोविज्ञान उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट लिखने के लिए जाना जाता है, जाना प्रसिद्ध है, तो वो कौन है, फ्रायडो डोस्टोवेस्की, ठीक है बहुत इंपॉर्टेंट। ये मैक्सिमम लोग इस सवाल को नहीं कर पाए होंगे तो घबराने की जरूरत, लाओस की राजधानी क्या है, वियतनाम है, मस्कट है, लाओस की राजधानी काठमांडू है, लीमा है, पायोस है, तो हम वियतने है ये कहेंगे, ठीक है चले। कौन सा संगठन सुचारू और पूर्ण निर्वाह व्यापार के लिए संबंधित होता है, WTO, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, ये बुद्धि लगा के भी मारा जा सकता था। व्हाट इज अ GST ऑन द मोबाइल, मोबाइल क्या है, सुख सुविधा की चीज है, इसलिए इस पे लग्जरी की चीज है, इस पे ज्यादा का लगाएंगे लोग, ठीक है अब चलते हैं अगला। जीएसटी परिषद में कितने लोग हैं, सही ऑप्शन है 33, बहुत सही। अनुसंधान का पहला चरण, अनुसंधान का पहला चरण कौन सा होता है, देखिए रिसर्च का, सेलेक्टिंग अ प्रॉब्लम, आइडेंटिफाइंग अ प्रॉब्लम, फाइंडिंग अ प्रॉब्लम, सर्चिंग अ प्रॉब्लम, ठीक है सबसे पहले प्रॉब्लम को जानना कि प्रॉब्लम क्या है। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति के सभी मानव अधिकार क्या कहलाते हैं, बाल अधिकार कहलाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सूक्ष्म सिंचाई
कब शुरू की गई थी, सूक्ष्म सिंचाई कब शुरू की गई थी, तो वर्ष 2006 में हुआ था। तो साल से कंफ्यूजन में फंसने की जरूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर टीबीटी क्या है, टेस्ट बैक टाइम या थ्रो बैक थर्सडे, तो ये थ्रो बैक थर्सडे ही होना चाहिए। चलिए अलग सा लग रहा है, ट्यूजडे थर्सडे बन रहा है, थ्रो बैक यही के साथ। देखिए आगे, प्रौद्योगिकी का उपयोग इसमें से किसके लिए किया गया है, देखिएगा प्रौद्योगिकी का प्रयोग इसमें से किसके लिए किया गया है, एडिटिंग जीन्स, डिटेक्टिंग अर्थक्वेक्स, नहीं यार, सिंथेटिक न्यू मटेरियल, नहीं, जेन एडिटिंग, अपने जीन में बदलाव करने के लिए, ठीक है। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 2024 का थीम क्या था, थीम क्या था, भविष्य को नेटिव करना, सुरक्षा पहले, ठीक है, भविष्य का नेटिव करना, सुरक्षा पहले, ठीक है। टेक्स्ट देखते हैं अगला, इसी पे आना है ना, 129 तक हो गया है, ठीक है, चलिए 130 तक। यहाँ पूर्व परीक्षण सम्मेलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, पूर्व परीक्षण विचारण यानी अंतिम फैसला सुनाने के लिए, ठीक है, जूरी चयन करने के लिए, नहीं, पूर्व परीक्षण नहीं, ठीक है, अंतिम फैसला सुनाने के लिए जूरी का गठन इसीलिए किया, चलो ठीक है। अगला, सोशल मीडिया जैसे इलेक्ट्रॉनिक साधनों का उपयोग माध्यम डराने धमकाने उत्पीड़न करने और बदनाम करने या किसी अन्य प्रकार के मानसिक पतन का कार्य है, साइबर धमकी, क्रिप्टो जैकिंग, आइडेंटिफाइंग थेप या साइबर बुलिंग, उसको साइबर बुलिंग कहते हैं, ठीक है, छेड़छाड़ करना, किसी को परेशान करना, साइबर बुलिंग के बहुत बड़ी सजा हो सकती है, ठीक है। भविष्य की वैश्विक अर्थव्यवस्था को आकार देने में आर्टिफिशियल की क्या भूमिका है, ठीक है, वैश्विक अर्थव्यवस्था को ये कुशल और कुशलमियों के बीच अंतर बढ़ाता है, यह 9-4 उत्पादन और आर्थिक विकास को प्रेरित करता है, ठीक है, AI के माध्यम से। भारत ने महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का, ठीक है, 132 सही तो है ना, अच्छा, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला चंपारण सत्याग्रह बहुत फेमस, ये तो कोई बच्चा करिए। भारत आंदोलन, छोड़ो आंदोलन में किसके जवाब में शुरू हुआ था, तो क्रिप्स मिशन के तहत ही शुरू हुआ था, रॉलेट एक्ट तो 1818 में था, ठीक है, साइमन कमीशन, जलियांवाला बाग बहुत बाद में हुआ। भारतीय संविधान कौन सा, नए राज्यों के गठन और मौजूदा के नामों का परिवर्तन कर सकता है, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, अनुच्छेद 3 में आता है, अनुच्छेद 3 है ना, सही होगा, अनुच्छेद 3 में आता है। रबी की फसलें सर्दियों अक्टूबर में तक बोई जाती हैं और गर्मियों का अप्रैल से लेके कब तक बोई जाती हैं, अप्रैल से लेके कब तक, हाँ, अप्रैल से लेके मई तक काटी जाती है, मई जून में नहीं जाता, मई तक कटाई हो जाती है सब, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का उद्देश्य क्या है, भारतीय, व्हाट इज द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, क्या क्या है, टू कंडक्ट, टू मैनेज डिजास्टर, टू रेगुलेट द फाइनेंशियल, एंटी जैकिंग, काउंटर टेररिज्म, सी ऑप्शन होगा क्या, ठीक है, आंसर क्या होगा इसका, सी 137 का। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए वो है, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड। कौन सा देश पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक है, चीन, अमेरिका, भूटान, उत्तर प्रदेश, यानी सबसे ज्यादा जर्मनी करता है इसमें। भारतीय उपराष्ट्रपति 2024 तक कौन था, जनदीप धनखड़, देखिए जनदीप धनखड़ अभी बने हैं, ठीक है, अब ये थोड़ा सा फंसाने वाला है, लेकिन वेंकैया नायडू का, इससे पहले वाला सरकार में वेंकैया नायडू थे, ठीक है, उसमें ऑप्शन क्या है, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। जून तक, देखो जून तक पूछ रहा है, चुनाव कब हुआ था, ठीक है, थोड़ा सा ये कंफ्यूजन में है, अभी तो धनखड़ साहब हैं, ठीक है, अभी धनखड़ साहब हैं प्रेजेंट टाइम में। चुनाव कब हुआ है, चुनाव मई में हुआ है, 24 मई को खत्म हुआ है, यानी हाँ यही होंगे, धनखड़ साहब ही होंगे तब, धनखड़ साहब थे उस समय, जगदीप धनखड़ ही थे, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। 2016 में हस्ताक्षरित भारत जापान नागरिक परमाणु समझौता का उद्देश्य क्या था, असैनिक परमाणु प्रौद्योगिकी हस्ताक्षर और सुरक्षा मानकों में, हाँ वही है, डी ऑप्शन सही है। अब किस क्षेत्र के अंदर और बाहर लोगों की आवाजाही को कहा जाता है, प्रवास, माइग्रेशन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, माइग्रेशन। इन विच ईयर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी वॉज एस्टेब्लिश,
इन 1875, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बीएचयू का आप लोग तैयार कर लीजिएगा, बीएचयू कब स्थापना हुआ हो सकता है पूछ लिया जाए, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। क्या कह रहा है, कौन सा शहर हिंदी और संस्कृत भविष्य तक का शैक्षणिक संस्था के लिए प्रयोग है, ठीक है। वाराणसी में आपका एक यूनिवर्सिटी भी है, ठीक है, संपूर्णानंद, वहां से लोग करते भी हैं, ठीक है। अब ये क्या है, कौन सी अर्थशास्त्री कल्याण अर्थशास्त्र पर अपने काम के लिए जाना जाता है जिसे 1900 अर्थविज्ञान में नोबेल पुरस्कार मिला था, तो अमृत सेन है, रघुराम राजन है, और रघुराम राजन साहब तो अभी हैं, और जगदीश भगवती मनमोहन सिंह को भी नहीं मिला है अभी तक, ठीक है। अर्थविज्ञान में नोबेल पुरस्कार केवल अमृत सेन को ही मिला है, ठीक है, 1998 में। ये जैन अय्यर किसके लेखक हैं, किस लेखक ने लिखी है जैन अय्यर किसने लिखी है, ये तो थोड़ा सा कठिन सवाल बन गया, हमको लग रहा है सर्लट बोटैन ही है, ठीक है, मेरे हिसाब से सर्लट बोटैन है, ठीक। ट्विटर एक प्रकार का संचार माध्यम है, ट्विटर से क्या करते हैं, चैट नहीं करते हैं, एसएमएस नहीं करते हैं, ठीक है, ईमेल नहीं करते, ओटीपी करते हैं, ठीक है, तो हमको लग रहा है एसएमएस है, इसके जरिए हम लोग एसएमएस कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। भारत का लिपू लेख दर्रा किसके साथ साझा करता है, लिपू लेख तो चीन के साथ करता होगा, ठीक है, मेरे हिसाब से पाकिस्तान के साथ लिपू लेख नहीं करेगा, वो लिपू लेख पे ही लड़ाई हुई थी ना वहां पे, तो चीन होगा नहीं तो नेपाल होगा, मेरे हिसाब से पाकिस्तान बच्चे ने गलत तरीके से मार दिया, लिपू लेख उधर नहीं है, लिपू लेख उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीचों बीच में पड़ता है मेरे ख्याल से, बॉर्डर वहां पे है, तो हम नेपाल के साथ जाना चाह रहे हैं। अब आगे आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, मेरे हिसाब से नेपाल। दक्षिण कोरिया में कौन सी मुद्रा चलती है, देखो युआन चीन में येन है, वॉन है, युआन जापान में चलती है, येन चीन में चलती है, कोरिया पूछ रहा है वॉन होगा या रिंगेट होगा, तो मेरे ख्याल से वॉन होगा, रिंगेट वहां नहीं चलती है, वॉन ही चलती है, ठीक है। अब यहाँ पे आक्रमण वह होता है जब कोई कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क कंप्यूटर वायरस से संक्रमित हो जाता है, तो संक्रमण मालवेयर से होता है, तो ये चीज आपका डिस्कशन हो गया। अब इसका सेकंड पेपर हम कोशिश करेंगे कल सुबह आप लोग को दे दिया जाए, ठीक है, कल सुबह प्रयास करेंगे, ठीक, कल सुबह मेरा वो थोड़ा सा क्लासेस है, तो देखते हैं कल सुबह क्या होगा, अगर सेट हो जाएगा तो इसका सेकंड शिफ्ट देने की कोशिश करते हैं, नहीं तो रात बिरात तक अगर मिल जाता है, अगर ट्राई समय मिलता है, थक गए हैं यार सुबह, बस पेपर नहीं मिल रहा था, पेपर में इतना ज्यादा डिस्कशन कर दिया है ना जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं। लेकिन हाँ, कल से मैं 28-28 क्वेश्चन टोटल चार शिफ्टों का चार दिन में अच्छे से एक एक घंटे में एक एक क्वेश्चन को डिफाइन करूंगा और आपको हिंट दूंगा कि आगे क्या पढ़िएगा, तो कल मैथ्स के लिए तैयार रहिएगा, चार चार 28-28 क्वेश्चन जो मैथ्स के हैं उसको एकदम अलग करके पढ़ाएंगे, तो बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं कल और देखते हैं आगे के लिए क्या होगा, बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बस।